सबसे पहले तो थैंक यू, थैंक्स टू द एकेडमी। जब से इस एकेडमी में हम लोग आए हैं और इस एकेडमी ने हमारी लाइफ को सी, हम लोग हीलर्स कब से हैं, हम लोग इट्स बीन 22 इयर्स सिंस वी हैव बीन आई मीन प्रैक्टिसिंग ऑल दीज अपर साइंसेस, लेकिन एंट्रिंग इनटू दिस एकेडमी और सर की छत्र छाया में रहकर देयर इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन अवर पर्सनालिटी एंड द सर क्या बता सकते हैं, एक साल से हम सर के साथ हैं और इतनी मैच्योरिटी बिकॉज इतना एक्सपोजर मिला है टू वर्क, इतना ये जो मेरी 22 साल की जर्नी है वो अपनी एक अलग है और जो एक साल के सर के साथ की जर्नी है उसको एक अलग ही हम डेफिनेशन देंगे। इट इज सो गुड बिकॉज वी आर इन अ कॉम्बिनेशन। हम ओके सर, ठीक है अभी ठीक आ रही है, बीच में क्रैक हो रही थी सर, वॉइस ठीक है जी अभी ठीक है, बीच में दिक्कत थी, अब बोले राइट ओके। तो इन अ नटशेल जो एक साल की जर्नी है सर के साथ इन एकेडमी विद ऑल द फैकल्टीज एंड एज अ फैमिली ऑफ एकेडमी ऑफ ऑकल साइंसेस वी हैव एंड ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर ग्रोन अ लॉट। वी हैव बीन एबल टू डिलीवर यू नो सो मच, जैसे इन क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मेरी ऑलरेडी बहुत है, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस, अब जो नए एक्सपीरियंसेस विद स्टूडेंट्स विद एकेडमी हुए, मिरेकल्स हुए हैं बिकॉज अभी हम उस एज से गुजर रहे हैं। जैसे कोरोना आया, कोरोना के पहले, कोरोना के बाद, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, राइट? आप सब मानेंगे इस चीज को। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ को हमने जो देखा और उसके बाद जब काम किया और वो भी सर के साथ, थैंक यू सो मच सर, आपने ये जो प्लेटफॉर्म दिया, बिकॉज आप भी शायद एक डिवाइन से चोजन वन है जिसने ये प्लेटफॉर्म बनाया, हर किसी को डिवाइन चूज नहीं करता, एंड थैंक यू सो मच। एंड पूनम मैम ऑल्सो, you together as a team is just like a diamond, sir, meth diamond, I don't know what, but mere liye sach mein aap log diamonds hai. Thank you so much. Thank and you. All the students, abhi tak main jitne bhi hamare students rahe hain in crystals, abhi kyunki already participating students bhi hain, and I'm really so proud to have them all. They are so keen learner. Har koi ek ek gem hai. Ab jo humne ek apni journey continue ki thi from basic टू एडवांस, एडवांस टू सुपर एडवांस, अब ये जो हमारा कोर्स हम ला रहे हैं सुपर एडवांस, सी मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मुझे वन बाय वन एक दो लोगों से मैं बात करना चाहूंगी कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस कोर्स। अगर आप एक सुपर एडवांस लेवल करना चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स से? कौन मुझसे पूछेगा, कौन मुझसे बात करेगा, बताइए। मैं बात करूंगी आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल नीरज जी, बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने क्रिस्टल्स को बहुत इजी फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है, आपने इतना हैंडी कर दिया है कि वो बहुत इजी लग रहा है कोर्स। अदरवाइज जब मैं ज्वाइन कर रही थी आई वाज वेरी टेंस कि मुझे कुछ नहीं आता, शायद आई वोंट बी एबल टू डू इट अप, बट नाउ एज आपने इसको किया इजी, अब मैं इसको इजी दूसरे फॉर्म में भी चाहती हूँ। जैसे हमें कोई प्लैनेट तंग करता है, जैसे एज पर एस्ट्रोलॉजी किसी ने बोला किसी का शुक्र वीक है, तो आई वॉन्ट कि वो हमें क्रिस्टल्स मालूम होने चाहिए कि उन क्रिस्टल्स को हमें कौन से चक्रास के साथ मिलाकर और किस तरह यूज करें कि हमारी वो प्लैनेटरी कंडीशंस हम इम्प्रूव कर पाए। आई डोंट नो आपके करिकुलम में है इस समय एडवांस कोर्स में या नहीं। मैम ये हम लोग ऑलरेडी बेसिक में जैसे चक्रास के साथ इसको कर चुके हैं और एडवांस में हम आपको उसको सारा प्लैनेटरी कनेक्शन भी बता देंगे। इट इज रियली वेरी इजी सर, आपको प्लैनेट्स बताने हैं और हायर एक्सपेक्टेशन आप लोगों की क्या है एज अ क्रिस्टल हीलर, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, आप हीलर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप क्रिस्टल के साथ क्या, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ व्हाट इज योर विश एंड विल। अगर ये क्रिस्टल इतना ही अच्छा और इतना ही इफेक्टिव रहेगा और हम इसको यूज करना सीख जाएंगे तो आई विल लाइक टू सर्व द सोसाइटी, मतलब अच्छा है। लोग इतने परेशान, इतना घूमते हैं, अगर हम उन्हें गाइड कर सकें और हमारी थोड़ी सी हेल्प से उनका कुछ अच्छा हो जाए तो इट्स नथिंग लाइक इट। परफेक्ट, दिस इज व्हाट वी वांट एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी है। और अभी जैसे अभी हम आगे बात करेंगे क्रिस्टल्स हमारे लिए क्या करें, तो आप समझेंगे कि ये तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है हमारी सेशन का, क्रिस्टल्स के साथ रहकर हम लोग कितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, राइट? वर्तिका जी मैं आपसे बात करना चाहूंगी।
गुड इवनिंग मैम. मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे हमने क्रिस्टल्स किए और अट्रैक्ट भी करते हैं हमें क्रिस्टल, हमने बेसिक और एडवांस किया, तो नाउ सुपर एडवांस का मतलब ये होगा कि हमारी मतलब इंट्यूटिव पावर इतनी बढ़ जाए कि क्रिस्टल ही हमसे बोले कि ये क्रिस्टल यूज करो फॉर दिस प्रॉब्लम. वंडरफुल, दिस इज व्हाट इट इज इंक्लूडेड इन दिस. यही है आपको एक हायर असेशन बीइंग बनाना. आपके इनिशिएशंस होंगे, गोल्डन रेज इनिशिएशंस होंगे. अभी हम इस हायर एडवांस में हम यही करेंगे कि आपको इतना इंट्यूटिव लेवल पे प्रैक्टिस करवाना, आपके इंट्यूशन लेवल इतना हाई हो जाए कि आप यू नो एट अ क्लिक ऑफ अ मोमेंट कि आप बहुत जल्दी हीलिंग कर पाए. द टाइम बिटवीन द हीलिंग एंड द हील्ड इट इज लेस, इट इज यू नो नल. कनिका जी, एंड वन मोर क्वेश्चन. थैंक यू मैम. वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि वन टाइम इन एडवांस क्लास यू टोल्ड अस कि देयर इज अ मतलब लेबोरियन हीलिंग बताया था कि उसका एक एडवांस में आप कुछ बताने वाले हो, तो आई थिंक शायद आप इसको उसमें ऐड करने वाले हैं या वो सेपरेट है. यस, हायर वर्जन ऑफ लेबोरियन हीलिंग. आपको एडवांस में हमने इंट्रोड्यूस किया था एक टेक्निक. अब क्योंकि जब तक आप खुद हायर, जैसे आपने बोला कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो जाए, आपका जो पूरा बीइंग है वो इतना हाई हो जाए कि वो खुद इंटरेक्ट करने लगे, पहले हम आपको इतना बनाएंगे, फिर उसके बाद आप अपने आप इन सारे हायर वर्जन से करेंगे. आपने ये जो हम यहाँ पर आज लेकर आए आपके लिए कोर्स, इट इज इंटरनेशनल कोर्स. दिस कोर्स इज नॉट टॉट इन इंडिया एट ऑल. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस इन इंडिया एज अ कोर्स. ये जो इंटरनेशनल हीलर्स हैं, वी आर अ हीलिंग कम्युनिटी एंड आफ्टर डूइंग दिस यू ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल हीलिंग कम्युनिटी एज अ इंटरनेशनल हीलर प्रैक्टिसिंग दीज हायर टेक्निक्स. आपको लगेगा कि आप खुद उस चीज को फील करेंगे जब आपकी लाइफ में खुद चेंज आएगा. राइट जी, कनिका जी. नमस्ते मैम. नमस्ते, बताइए. मैम तो इतने अच्छे से सिखाती है, इतने सिंपलीफाई करके सिखाती है कि उसको टच करके हमारा कौन सा चक्र एक्टिवेट हो रहा है वो भी मैम हमें बहुत सिंपल तरीके से बता देती है. तो इट्स ऑसम टू जॉइन यू इन ईच एंड एवरी क्लास. सुपर एडवांस या एडवांस लेवल पे ना इतना जानना चाहते हैं कि हम इस क्रिस्टल्स को अलग अलग मॉड्यूल पे भी कैसे यूज करते हैं. लाइक एंजल हीलिंग करते हैं तो एंजल हीलिंग में मैं उसको कैसे यूज कर सकती हूँ, प्लस हर एक मॉड्यूल पे, और किसी को नॉर्मली भी बेसिक सिखाना है तो भी मैं उसको डिलीवर कर पाऊँ अपने लेवल पे, है ना. तो वो इंट्यूशन लेवल तो अपना धीरे 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 बढ़ ही रहा है, है ना. और एंजेलिक और बाकी हीलिंग्स में मैं उसको कैसे रियलाइज रिलेट करूँ, प्लस ग्रीड्स भी और कैसे कैसे खुद भी बना पाऊँ. इट इज इंक्लूडेड, मतलब खुद भी कुछ ग्रीड क्रिएट कर पाऊँ. एक तो पार्ट है जो हमारा ग्रेड्स मैम पार्ट है, इट इज ऑफ एडवांस पार्ट, और जो इसके में हायर वर्जन ऑफ ग्रेड्स लेकर आ रहे हैं, प्लस एंजेलिक भी इंक्लूडेड है इसके अंदर. सारा पोर्शन ऑफ एंजल हीलिंग इंक्लूडेड है विद क्रिस्टल्स. राइट मंजू जी. नमस्कार मैम. नमस्कार जी मैम, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ आपको. जी, थोड़ा सा पढ़ा है क्रिस्टल्स का, मगर मेरे को हायर लेवल में जाना है इस लाइन में. वेलकम टू द कोर्स मैम, ये बिल्कुल हायर लेवल है. और मुझे एक शॉप भी खोलनी है जहाँ मैं हीलिंग कर सकूँ उनको, क्रिस्टल्स देकर उनको तरीका बता सकूँ कि जो बीमारी है वो कैसे हील हो, क्यों मैं खुद ही हील नहीं हो पा रही हूँ शुगर के लेवल से. तो मैं ही डीमोटिंग हो रही हूँ, तो कैसे आगे किसी को मोटिवेट करूँ. मैम, यूनिवर्स इज गाइडिंग यू एंड यूनिवर्स ने आपको इस पोर्टल पे गाइड किया है, तो आप बिल्कुल सही पोर्टल पे है. ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम कैसे शुरू करेंगे. आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग. इसमें आई विल टेल यू अबाउट व्हाट वी विल बी इंक्लूडिंग इन आवर कोर्स. मैम मैंने एक ग्रिड भी बनाया था, आई डोंट नो इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग. अभी उसके बारे में बात करते हैं. एक बार पहले कोर्स के बारे में बात कर लिया, हम क्या क्या करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन लेंगे. ठीक है. दिस इज अवर ओके सर, दिस इज शोइंग शेयरिंग इज पॉज्ड. मैम अभी डाउनलोड हो रहा है वो जो आपका होगा ना कोर्स. डू इट अगेन, प्लीज डू इट अगेन सर. वो एक बार होकर एकदम से स्टॉप शेयर आ रहा है, मतलब पॉज आ रहा है. योर कोर्स, यू हैव अ राइट्स टू शेयर. एक बार आपका मैं दोबारा करती हूं.
यू हैव राइट्स, यू आर कोर्स, तो आप कर सकते हैं उसको। पॉज आ रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा। ओके, कैन यू शेयर द फाइल टू मी? ओके, सेंड द फाइल टू मी। गिव मी अ मोमेंट। कोर्स कंटेंट अगर आपको दिखाना है तो कोर्स कंटेंट मेरे पास रेडी है, मैं दिखा देता हूँ। सर स्लाइड दिखानी है आप एक बार? ये कोर्स कंटेंट की स्लाइड है या अदर स्लाइड्स है? सर उसमें पूरा इंक्लूडेड है। अच्छा ठीक है, ओके, आप मेरे को भेज दीजिए फिर। मीनवाइल जब तक शिल्पी जी की स्लाइड्स आ रही है, सो आई वुड लाइक टू शेयर, मैं कोर्स कंटेंट एक बार शिल्पी जी बोले तो आप, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कोर्स कंटेंट। हाँ, वो पे भी कर दीजिए सर, है ना? हाँ। तो मैं कर देता हूँ जब तक आपकी स्लाइड आ रही है, एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू विद द कंटेंट्स। एक मिनट, क्या आप These are the course content for the crystals. Can you please go through this contents? Are you sending me on WhatsApp? Yes, sir. ठीक है। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप करिए, मैं उससे आपको शेयर कर दीजिए, मैं उससे करती हूं। ठीक है, यस सर, ये शेयर हमको दिख रहा है ना शिल्पी मैम? ओके, देखिए जैसे ये डे वन है, डे वन में जैसे हमने एडवांस क्लास में किया था, देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग जिससे हम क्रिस्टल्स की हीलिंग करते हैं। सबसे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे सो दैट हमारी क्रिस्टल हीलिंग शुरू हो जाए। दिस इज द सुपर एडवांस, इससे आगे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर अथा है, लेकिन ये आपको पूरा ऐसा सक्षम बना देगा कि आपको प्रैक्टिस होगी कि हमें हीलिंग में जो असली फायदा होता है, जो बेनिफिट होता है, वो उसको कैसे लेना है। तो एक ये प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का, हम ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे। देन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी ट्रायोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हर इंसान में, हर ह्यूमन बींग में। देयर इज अ पार्ट ऑफ फेमिनिटी, देयर इज अ पार्ट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी इन अ पर्सन। तो वो अगर उसका इम्बेलेंस हो जाता है तो लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। वी विल एक्नॉलेज, हमें समझ आएगा कि वो इम्बेलेंस क्या है, उसको हमें रिस्टोर करना है और उसको हमें कैसे हीलिंग के जरिए रिस्टोर करना है। ठीक है, अगेन अब हमने क्योंकि एडवांस में हमने डाउजिंग किया था, हमने पेंडुलम से बहुत हीलिंग सीखी थी, अब हम उसका यूज करेंगे। वी विल इंक्लूड डाउजर्स इन ईच एंड एवरी हीलिंग, जिससे हमें पता चलेगा हमें डे टू डे लाइफ में पेंडुलम कैसे यूज करना है। ठीक है, आज भी जब बिफोर दिस क्लास मैं बैठी थी डाउजर के साथ विद द हीलिंग, कि जो भी लोग डिस्टाइंड है कोर्स को करने के लिए, दे गेट द फुल बेनिफिट ऑफ इट, राइट? देन डे टू पे व्हाट वी विल बी लर्निंग, देखिए जो क्रिस्टल है इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर हम लोग क्रिस्टल के साथ काम कर रहे हैं तो क्रिस्टल के साथ हीलिंग कर रहे हैं तो हम अर्थ की हीलिंग भी कर रहे हैं और कलेक्टिव हीलिंग कर रहे हैं। आप ये बात जान लीजिए, जब तक हम कलेक्टिव हीलिंग नहीं करेंगे हम भी खुद हील नहीं हो सकते। जिन लोगों को भी अपनी हीलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो अभी तक सिर्फ अपने तक सीमित है, अब हमें पूरी कलेक्टिव अर्थ की हीलिंग करनी पड़ेगी। आप ये देखेंगे अर्थ की कलेक्टिव हीलिंग करेंगे तो आपकी सबसे पहले हीलिंग होगी। तो वी विल लर्न टू डू दैट अर्थ हीलिंग थ्रू क्रिस्टल्स। ठीक है, फिर जब हमने सेक्रेट ज्योमेट्री सीखी एडवांस कोर्स में, अब हम उसका और हायर वर्जन करेंगे सेक्रेट ज्योमेट्री के साथ क्रिस्टल मेडिटेशन एंड क्रिस्टल हीलिंग। हमें जो इफेक्ट चाहिए अपनी लाइफ में या आप अपने से क्लाइंट की लाइफ में या कोई भी इश्यू है, सेक्रेट ज्योमेट्री से उसको कैसे हमें देखना है। ठीक है, फिर क्रिस्टल विजुअलाइजेशन। अब हमने हमेशा बात की कि क्रिस्टल जरूरी नहीं है कि हमारे हाथ में हो, लेकिन क्रिस्टल्स जब हाथ में नहीं होते हम विजुअलाइज करके जो हीलिंग करते हैं कौन लोग कर सकते हैं? जो बहुत हायर वर्जन पे होते हैं, उनके पास जितनी पोटेंशियल्स होती है। अब आप इस कोर्स में वो पोटेंशियल्स लेना सीखेंगे, आप जानेंगे कि अपने आप वो पोटेंशियल्स कैसे लानी है, कि अगर आपके पास बाय चांस कोई क्रिस्टल नहीं है तो उसको कैसे विजुलाइज करना है, उसकी एनर्जी कैसे अपने पास लेकर आनी है। ठीक है, फिर उसके बाद डे थ्री में हम सीखेंगे हाउ टू चार्ज क्रिस्टल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस।
इसके अंदर हम यूज करेंगे बहुत ही एक पोटेंट स्टाइल है ग्राबोवॉय नंबर्स, अगर आपने सुने होंगे, न्यूमरोलॉजी। अब हम इसके अंदर न्यूमरोलॉजी और एनर्जी अटैच करेंगे क्रिस्टल्स के साथ, अमेजिंग रिजल्ट्स। जो जो ग्राबोवॉय नंबर्स के साथ जब हम हीलिंग करते हैं तो इसका रिजल्ट में आप समझो कि अगर एक दिन में ठीक होना होगा ना, वो आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, इतना जल्दी इसका बेनिफिट होता है, राइट। देन डे फोर वील बी लर्निंग अबाउट टूल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी एक टाइमलाइन होती है जिस वक्त से हमारी सोल पैदा हुई थी और इस वक्त तक अभी जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। वहां पे बहुत सारे ऐसे वाक्य हुए हमारे जीवन के जो पास्ट लाइफ हम कह देते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, कोई चीज जहाँ पे हम भूल गए या फिर जो चीज हमारी अधूरी रह गई, उन चीजों को कैसे पूरा करना है, हाउ टू टैकल द इनकम्प्लीट वर्क इन अवर लाइफ। आपकी लाइफ में बार बार कुछ ऐसा रिपीट हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा वो क्यों रिपीट हो रहा है, वी विल एक्नॉलेज दैट, हम उसको जानेंगे, फिर टाइम लाइन पे उसको ठीक करेंगे। बहुत ईजी तरीका है। देन भी कोई चीज खो गई है, कोई चीज मतलब छोटी टाइम लाइन में तो इस बर्थ में भी हो सकती है, किसी और बर्थ में भी हो सकती है, चाहे अभी का काम है चाहे किसी भी टाइम लाइन का काम है, वी विल ट्राई टू फाइंड दैट। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, भागवत गीता है, जैसे हमने ये लक्ष्मी स्त्रोत, इस कोर्स से हमने लक्ष्मी स्त्रोत्र और गायत्री मंत्र से हीलिंग करेंगे क्रिस्टल के साथ। आप ये देखेंगे इतना डिवाइन इसका रिजल्ट होता है। ये जो होली स्क्रिप्चर्स है ये हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। अभी तो हम जो मंत्र बोलते हैं, साउंड एनर्जी होती है, मंत्रों की जो शक्ति होती है, जब वो क्रिस्टल्स के साथ ऐड होते हैं तो हमारी लाइफ में कितनी जल्दी और कितना डिवाइन असर लाते हैं। बेसिकली जो असली उसकी एनर्जी होती है हमें तब मिलती है। अभी तो क्या होता है कि हम लोग कोई भी मंत्र बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसी भावना से बोल रहे हैं, वो चीज समझ कर बोल रहे हैं, लेकिन जो क्रिस्टल कॉन्शियसनेस होती है वो आपको उसका असली फायदा दे, राइट। देन डे फाइव, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज प्रिवेंटिंग साइकिक वॉर। व्हाट इज साइकिक वॉर? मेरे पास हमेशा इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, आपके पास भी लोग आते होंगे, कि देखिए अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो वो आपका अपना सगा संबंधी होता है, क्लोज रिलेटिव होता है, कि जैसे बहुत लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक कर दिया, या फिर यू नो ब्लॉकेजेस आ गए आपके अपनी लाइफ में, हमेशा हमें अपनों से ही दिक्कत होती है, राइट। तो उस चीज को हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना, उस चीज को अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और जो हमारा रिलेटिव है उसको भी इन चीजों से कैसे प्रोटेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट, अगर आपको लगता है आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो रही है तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, आपको कभी भी ऐसी घटनाएं परेशान नहीं करेंगी, ठीक है। डे सिक्स पे यूजिंग ह्यूमन बॉडी एज अ क्रिस्टल। अब हमने कितनी बार बात करी, आवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 90% वॉटर इन मैनी मैनी फॉर्म्स, ठीक है, ब्लड है, लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारा जो 90% होता है ना वो पूरा वॉटरी सब्सटेंस समझ लो, तो वो एक क्रिस्टल होता है। 100% ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज अ क्रिस्टल, लेकिन उस क्रिस्टल को कैसे यूज करना है। अब वी विल लर्न टू यूज ह्यूमन बॉडी एज अ क्रिस्टल। सोचिए आप एक चलती फिरती 100% एक क्रिस्टल है, इतना बड़ा क्रिस्टल तो बहुत मुश्किल से मिलता है, हमारे पूरे अर्थ पे इतने सारे क्रिस्टल्स है। हाउ टू यूटिलाइज दीज क्रिस्टल्स अ ह्यूमन बॉडी फॉर योर ओन हीलिंग एंड द हीलिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी, हीलिंग ऑफ ऑर्गन्स। मेरे पास अब जो कैंसर की हीलिंग आती है, मैं आपको वो एक सिस्टम बताऊंगी कि वो हम कैंसर हीलिंग कैसे करते हैं, हम किसी भी ऑर्गन की हीलिंग कैसे करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको एक क्रिस्टल हीलर बनना है, आपको एक परफेक्ट हीलर बनना है, तो यू शुड नो कि बीमारियों की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट वे में कैसे करनी है, ठीक है, इट विल बी इंक्लूडेड। देन डे सेवन में अब आता है बहुत और भी एक मजेदार पार्ट जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वी विल डू क्रिस्टल स्कल हीलिंग। क्रिस्टल स्कल्स दे आर द डिवाइन beings, बहुत बहुत millions and millions of years before जब ये अर्थ बनी थी, तो बहुत जैसे अब पढ़ने में आता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन थी वहां पर, आपने सुना होगा एटलांटियन, लेमूरियन और भी बहुत सारी सभ्यताएं थी। उन्हीं सभ्यताओं हमें कैसे पता चला, वो तो सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन कुछ ऐसे क्रिस्टल पीसेस उन सभ्यताओं से पास हो गए, अब धीरे धीरे हर सभ्यता से पास हुए, उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन थी, और वो जो कुछ इंफॉर्मेशन थी वो स्कल, जो क्रिस्टल स्कल है, दे आर अ पार्ट ऑफ दोस सिविलाइजेशंस। उन सिविलाइजेशंस में क्या होता था, देखिए मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी जिससे आपको समझ आए और आपका एक विश्वास बैठे ये होता क्या है।
वहां पे जो शमंस होते थे, शमंस आपने पता ही है कि क्या होते हैं, कि जब किसी भी ट्राइब में या किसी सिविलाइजेशन में कोई भी प्रीस्ट होता है या हाईएस्ट प्रीस्ट होता है जिनकी इंट्यूटिव पावर बहुत हाई होती है, वो शमंस जिनको हम बोलते हैं, उनके ऊपर पूरी की पूरी कम्युनिटी भरोसा करती थी। ठीक है, तो उस वक्त वो जो सिविलाइजेशन थी हमसे भी बहुत ज्यादा एडवांस थी, अब उनमें बहुत समझ थी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें भी डाउनलोड हुई है उन्हीं क्रिस्टल से। वो लोग क्या करते थे, उनके पास हर घर में ऐसे ही एक क्रिस्टल स्कल होता था एंड दे यूज्ड टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। मतलब वो अपनी जिंदगी की सारी इंफॉर्मेशन हर रोज उस स्कल के अंदर ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, जैसे उन्होंने ट्रांसफर किया, जब उस सोचिए उस स्कल के अंदर कितनी कितनी इंफॉर्मेशन होगी, हर घर में स्कल था और कितनी कितनी इंफॉर्मेशन होगी स्कल्स में। वो स्कल्स अब ट्रांसफर हो गए बिकॉज अब वो अर्थ के अंदर आ गए और अब वो ढूंढे जा रहे हैं बाय वे ऑफ एक्सकेवेशन। राइट, बाय वे ऑफ एक्सकेवेशन वो स्कल्स अब हमारे सामने आ रहे हैं, उनके अंदर से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। जो हमारे हायर हीलर्स है, जो जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई है, दे आर एबल टू गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू दो स्कल्स कि कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुए, एज अ गिफ्ट छीन लिए गए किसी सिविलाइजेशन ने, उनको अपने कब्जे में ले लिया, कभी किसी को गिफ्ट किया, कभी कहीं दब गए रह गए, तो वहां से वो एक्सकेवेट हुए और अब हमारी जो संस्कृति में अब वो जो हेल्प कर रहे हैं हम उनके बारे में समझेंगे। पूरे वर्ल्ड में ऐसे 12 स्कल हैं और उनकी एनर्जी को कैसे हम लोग ट्रांसम्यूट करके अपने लिए यूज करते हैं, इट इज हाईली डिवाइन। जैसे वर्तिका जी ने पूछा कि हमारी इंट्यूशन पावर कैसे, हमें हायर इंट्यूशन पावर गेन होनी चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। जो स्कल्स होते हैं उनके माइंड के बीच, उनके जो सेंटर होते हैं ना, द सेंटर ऑफ द स्कल हैज दैट गोल्डन एनर्जी लिंक, गोल्डन रे आपने सुना होगा, दैट इज द 9th प्लेन। जो 9th प्लेन से हम सीधा डायरेक्टली टू द क्रिएटर कनेक्ट करते हैं, वी हैव द एक्सेस टू द यू नो गोल्डन रे थ्रू द स्कल्स, हम उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। राइट, इट इज हाईली डिवाइन। नेक्स्ट वी विल ऑल्सो वर्क विद लाइट वर्क एंड द गोल्डन, हम इसकी इनिशिएशन देंगे, जितने हमारे मेंबर्स होंगे हम एक एक करके 1-to-1 इनिशिएशन होगी इसकी, गोल्डन रे इनिशिएशन, जिससे आपका अट्यूनमेंट होगी सबकी, आपकी अट्यूनमेंट मिलते ही द योर रिसेप्टिविटी विल इंक्रीज, योर रिसेप्टिविटी टूवर्ड्स द डिवाइन वर्ल्ड विल इंक्रीज। हम ऐसी मेडिटेशन करेंगे जिससे एकदम आपकी कनेक्टिविटी हायर बींग से हो जाए और आपका जो एक्सपीरियंस है टू वर्क इन द डिवाइन वर्ल्ड, सिर्फ क्रिस्टल में ही नहीं, अगर आप किसी भी मॉडलिटी में काम कर रहे हैं आपकी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगी, इट इज दैट मच हायर। आपको अटेनमेंट मिलते ही वो आपको फीलिंग आने लगेगी, आपके ड्रीम्स में आने लगेगा, आपको ऐसे मैसेजेस मिलने लगेंगे। राइट, देन अगेन हम एक और एक्टिवेशन करेंगे, दैट इज डीएनए गोल्डन रे एक्टिवेशन। डीएनए, आपके डीएनए तक उस रे की एक्टिवेशन जाएगी, यू विल कम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारे डीएनए में ऑलरेडी है, लेकिन कहां हम डेविएट हो गए, कैसे हमें अलाइन करना है, दिस इज हाईली डिवाइन। राइट, फिर उसके बाद स्कल से हम लोग ग्रिड क्रिएट करते हैं, और जैसे अगर आप किसी अपने क्लाइंट की हीलिंग कर रहे हो, किस लिए कौन सी हीलिंग करते हैं, कब करते हैं, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। राइट, नेक्स्ट डे 12 पे विल बी लर्निंग अबाउट हीलिंग प्रोसीजर्स ऑन बॉडी वर्क। अब ये जो सारे हीलिंग प्रोसीजर्स देख रहे हैं ना, चक्रा बैलेंसर, सील ऑफ सोलोमन, ये बहुत हायर लेवल क्रिस्टल हीलिंग आपके वर्क्स है, जो कभी जैसे अगर आपका एक हीलिंग स्टूडियो है एंड अगर आपके पास कोई भी आता है हीलिंग कराने के लिए, यू विल बी एबल टू डू हीलिंग वर्क ऑन देम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम्स। दीज आर द हायर वे ऑफ डूइंग हीलिंग। सील ऑफ सोलोमन इज मरकबा, आपको मरकबा जो बहुत, देखिए दिस इज मरकबा, ये देखा होगा आप लोगों ने, दिस इज मरकबा, एंड ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है मरकबा, दिस इज द वे वी यू नो ट्रांसेंड, हम अपने आप को जो हमारा डिवाइन सेल्फ है उसको ट्रांसेंड करते हैं, उसको कैरी करते हैं टू द अदर पोर्टल्स, टू द अदर यूनिवर्सेस। जितना मुझे आता है, जितना तक मैं आपको सारा इसमें how to use Merkaba and how to transport ourselves to the higher being so that hum unki energy le sake. This is how you will gain more access to the higher worlds. You will be a part of this divine. Aap samajhiye, ye hum log ek divine yatra pe nikle hain. Hamari ek army ban rahi hai, army of healers. Aur ye army koi aisi waisi nahi, we
आई एम जस्ट द चैनल, मैं सिर्फ चैनल हूँ. वॉट एवर आई एम इनिशिएटेड विल बी ट्रांसफर टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रेट ग्रेट आर्मी. आप लोग हीलिंग करना चाहते हैं, दुनिया में हीलिंग कीजिए, देखिए कितना फर्क पड़ता है. सबसे पहले अपनी हीलिंग होती है, फिर किसी की हीलिंग होती है. उसके लिए हमें यह समझना है, अपनी हीलिंग भी कब होती है, जब हम कलेक्टिव अर्थ की हीलिंग करते हैं. तो जो ऊपर है वो अंदर है, बाहर है, हर जगह एक ही चीज है, राइट? देन अगेन स्ट्रेस बस्टर, स्पिरिट अपलिफ्टर एंड रिकनेक्टर, दीज आर द टाइप ऑफ ग्रिड्स. हम ग्रिड्स क्रिएट करते हैं फ्लोर पे, जिसके बीच में हम क्लाइंट्स को लेटाते हैं. दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीलिंग टेक्निक्स. ये आप ऑन बॉडी हीलिंग टेक्निक करते हैं, आपको आनी चाहिए हर चीज की, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है उसको किस तरीके से आपको हीलिंग देगी, ठीक है? अगर आपके पास सपोज यू आर नॉट एबल टू डेवलप योर हीलिंग स्टूडियो, देन डिस्टेंट हीलिंग प्रोसीजर्स कैसे करने हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे एनर्जी को इन्वाइट करना है, कैसे उसको वापस भेजना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, ठीक है? देन क्रिस्टल फेयरीज, जैसे अभी हमारा कनिका जी ने पूछा था फेयरीज के बारे में, वी विल बी इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल फेयरीज की, कौन से क्रिस्टल की फेयरीज का क्या होते हैं. बेसिकली ये पूरा एक बहुत बड़ा कोर्स है, अगर हमें आगे टाइम मिला तो हम करेंगे इसका. इसके कार्ड डेक्स होते हैं, जैसे टैरो डेक्स होता है वैसे ही क्रिस्टल फेयरी डेक्स होता है. और क्रिस्टल फेयरीज के बहुत यू नो इट इज अ कनेक्शन. बेसिकली आप डिवाइन बीइंग से कनेक्ट करते हैं, आप हायर बीइंग से कनेक्ट करते हैं, आप उसको क्रिस्टल फेयरीज क्या होती है. जब हम छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तो हम किसी एक छोटे स्पार्क ऑफ लाइट को देख के खुश होते हैं, हम तितलियों के पीछे भागते हैं, राइट? दीज आर द फेयरीज जिनकी कॉन्शियसनेस क्रिस्टल्स में है ऑलरेडी. हमें उन्हीं से दोबारा रिकनेक्ट करना है. ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उनसे कनेक्टेड नहीं थे, आप हमेशा उनसे कनेक्टेड थे, वो अभी धीरे धीरे बट टाइम हम उनसे दूर हो गए, हमें नहीं पता. आपको सिर्फ उसकी पॉलिश करनी है नॉलेज, अदरवाइज आपके पास सारी ये सबकॉन्शियस लेवल पे नॉलेज है, ठीक है? फिर उसके बाद डे 16 जो हमारा लास्ट डे होगा, वी विल फोकस ऑन अवर प्रैक्टिसिंग सेशंस. दिस इज द होल मॉड्यूल, हम इसके हिसाब से चलेंगे. और द सीरियस क्रिस्टल हीलर्स विल कम फॉरवर्ड टू मेक अवर आर्मी. Now you may try to put your slide, अगर वो लग जाता है अभी, एक बार try करके देख ले अभी आप. मैम one question. हाँ जी बताइए. मैम do we need to do this basic first, then only we can able to understand, or we need to directly go into this advanced level? देखिए understanding के लिए basic तो जरूरी है, what I advise, क्योंकि अभी ये जो advanced level हो रहा है वो आगे बहुत time में होगा, इतनी जल्दी हम लोग उसको दोबारा नहीं करेंगे. तो आप सर हम एक काम कर सकते हैं, recordings आप you can share recordings, हम लोग ऐसा करेंगे कि Q&A के sessions रख लेंगे, आपको जो आप recordings देखिए फिर हम Q&A के session से फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? The point of saying, शिल्पी जी ने बोला कि जिन्होंने basic या advanced या दोनों नहीं किए हैं वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से कवर करें सब्जेक्ट को पास का, क्योंकि ये मास्टर लेवल दोबारा जल्दी नहीं होगा. इट्स वी आर डूइंग आफ्टर एन ईयर, आप समझ सकते हैं. तो ये दोबारा भी जब होगा, ऑब्वियसली जो लोग आज करेंगे इस कोर्स को अभी करेंगे वो रिपीट उनका रहेगा, लेकिन इस मास्टर को ग्रिप करने में 8-10 मिनट लगते हैं. तो दोबारा भी जब आएगा कोर्स तो 8-10 महीने बाद आएगा, और इस किसी को मिस नहीं करना, अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है और जरूर करनी भी चाहिए. तो वो लोग बेसिक या एडवांस जिन्होंने दोनों नहीं किए, वो दोनों का अपना कोर्स वीडियो के माध्यम से कवर करें, और उसके लिए Q&A सेशन इधर इन बिटवीन द सेशन ऑफ मास्टरिंग और बिफोर मास्टरिंग वी विल ऑर्गेनाइज इट. उससे पहले हम ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आप लोग इसको कर सकें, ठीक है? राइट, सो फी स्ट्रक्चर की क्वेरीज आ रही है शिल्पी जी, मैं एक बार फी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. मीनवाइल आप भी चेक कर लीजिए, आपका भी नेट आपका चलना चाहिए, शेयरिंग आपकी होनी चाहिए. सर नहीं हो रहा, मैंने एक दो बार ट्राई किया. आप मेरे को इन द मीनवाइल आप मेरे को भेज दीजिए आप, ठीक है? आप मेरे को स्लाइड भेज दो, मैं ट्राई कर लेता हूं. आई हैव कवर्ड, आई हैव एप्रोक्सीमेटली कवर्ड एवरीथिंग. अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार स्लाइड लगा देता हूँ. गिव मी अ मिनट प्लीज. Right. This course will be on Friday and Saturday of the week. 5:30 PM दोपहर को शाम को होएगा. 2 महीने की जर्नी होगी. Zoom live sessions रहेंगे, doubt clearing sessions रहेंगे, practical studies होगी और recording सारी class की मिलेगी. Certification मिलेगा. Those who did this course
they will be awarded as a postgraduate diploma in crystals mastering, mastering the crystals. ठीक, study notes इसके मिलेंगे आपको, and they are been applicable to do their own teaching practice. एक तो healing practice होती है, healing तो advanced वाला भी कर सकता है, but teaching practice is something which need a proficiency while doing the subject. इसकी course की fees आएगी, those who are doing, those are our existing participants. The 2 month course fee 1579 multiplied 2 months is equal to 3158. अगर ये इकट्ठा पे करते हैं, so there is a discount of 15%. The amount will be 2685 आएगा ये 2685. This is the fees. Those who are new first time participant for the academy, the fees is 2107 multiplied 24214. But on a first time honor, there is a 25% off for that, for them. So after that, 3158 if they paid together. We request you to please make payment by using these details and only send the screenshot on this number only. इनी नंबर पे भेजे गए स्क्रीनशॉट ऑफर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जो हमारी एकेडमी की टाइम टू टाइम ऑफर्स आती रहती हैं, उन ऑफर्स के लिए एप्लीकेबिलिटी इसी दो नंबर पे भेजे गए स्क्रीनशॉट होते हैं, किसी और नंबर के स्क्रीनशॉट एप्लीकेबल नहीं होते हैं. तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसी पे ही आप भेजिएगा. नाउ एडिंग टू दैट, जो लोग बेसिक या एडवांस करना चाहते हैं वो लोग अकेडमी से संपर्क कर सकते हैं उसकी कोर्स फीस स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए. फीस यही रहती है, बस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसका आप और ऑफर में क्या एप्लीकेबिलिटी बनती है क्या, वो भी हो सकता है क्योंकि ऑफर में एप्लीकेबिलिटी बन जाए, वो भी पॉसिबल है. तो वो लोग अकेडमी से संपर्क कर लें ताकि जिनको बेसिक और एडवांस नहीं किया या जिन्होंने एक नहीं किया तो वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा. आई थिंक दिस कवर्स योर डाउट नाउ, राइट संदीप जी? और आई थिंक किसने लिखा था, राइट? ऑल राइट, सो यू शिल्पी जी, यू मे प्लीज कंटिन्यू. बेसिकली जो हम ये पहनते हैं, मतलब एनी काइंड ऑफ अंगूठी में जो हम, यही सब चीजें हुई ना मैम, दैट्स राइट और देयर इज समथिंग एल्स? देखिए क्रिस्टल्स क्या होते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट जेम्स, राइट? क्रिस्टल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है जो खाली जेम्स तक लिमिटेड नहीं है. उसके अंदर 5000 टाइप के तो क्रिस्टल्स जो अभी हम लोगों को पता है, और लेकिन वो अनलिमिटेड क्रिस्टल्स आर देयर इन अर्थ, लेकिन जिन सबकी अपनी अपनी पावर होती है और हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर हीलिंग अपनी डे टू डे लाइफ में. जी सर, संदीप जी. हेलो, सॉरी मैम, आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड. संदीप जी, हम ये कह रहे हैं कि आप जेम्स के बारे में बात कर रही हैं. जेम्स भी देखिए, जेम्स और क्रिस्टल में ये तो आपको राजीव जी आप समझा पाएंगे जेम्स एंड क्रिस्टल में फर्क. देखिए, जेम्स और क्रिस्टल्स दोनों प्रवृत्ति से देखा जाए तो दोनों ही बैकग्राउंड वॉइस आ रही है किसी की, प्लीज बंद करें अर्चना जी. दोनों ही धातु हमारे को भूमि से मिलती है, पृथ्वी से मिलती है, ठीक है? ये फर्क मेजर, अगर आप टेक्निकल डिफरेंस देखेंगे, दोनों में पावर होती है, दोनों काम करते हैं. जेम्स जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा लंबे समय तक धरती के अंदर या जो भूमि के अंदर, भूमि के गर्भ के अंदर रहने से उनकी जो क्वालिटी, उनकी जो तासीर होती है उनमें फर्क आ जाता है. क्रिस्टल्स को जो है कुछ समय के बाद निकाला जाता है, उनको एक बेसिक डिफरेंस ये होता है. दूसरी बात, जो प्रॉपर्टीज होती हैं जेम्स की और क्रिस्टल्स की वो थोड़ी डिफर करती है. उनकी जो हार्डनेस प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो जो उनकी पीएच वैल्यूज होती हैं, वो पीएच वैल्यूज डिफर करती हैं जेम्स की और क्रिस्टल्स की. लेकिन दोनों के दोनों भूमि के गर्भ से ही निकलते हैं, उन दोनों का जो प्रोसेसिंग होती है, नेचुरल प्रोसेसिंग, वो सेम होती है. बिकॉज ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो वेरी कर जाते हैं. जो जेम्स हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पहनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, जो क्रिस्टल्स हम क्रिस्टल्स के माध्यम से पहनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं, ठीक है? ओके जी जी. शिल्पी जी, शिल्पी जी प्लीज कंटिन्यू.
मैम आप म्यूट हो। जी जी यस सर, थैंक यू सदीप जी। आपको कुछ और पूछना तो पूछिए। ये तो अर्चना जी बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो मैम। हेलो मैम, वो देखना था मुझे मरकावा, आपने दिखाया था ना, और स्कल। मैं दिखाती हूं सर, मैंने आपको पीपीटी शेयर कर दिए, आप प्लीज एक बार। मैं लगा रहा हूं। यस आई एम दिस इज मरकावा, ये देखिए, दिस इज 8-pointed स्टार। ओके, इसको इजी में नहीं लेना चाहिए, दिस इज वेरी हाई पोटेंशियल फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ओके, दिस हैज द कैपेसिटी टू गो इनटू एनी यूनिवर्सल पोर्टल्स। आप बात करते हैं मल्टीवर्सेस की, इट हैज द कैपेसिटी टू ट्रैवल यू नो इन वेरी डिफरेंट पोर्टल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो इस शेप का नाम है मरकबा। यस, दिस इज मरकबा, एंड वी विल बी ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्व्स इन मरकबा एंड ट्रैवलिंग टू सम हायर यू नो डायमेंशन इन दिस कोर्स। ओके, और मैम वो स्कल। हां स्कल के मैं पीपीटी दिखाती हूं आपको अभी सर। ये यस नीचे सर, यस नीचे वाला। सी, दीज आर द क्रिस्टल स्कल्स, ये जो हम आपको क्रिस्टल्स में देंगे, राइट? आपका देयर इज अ सेट ऑफ 12 क्रिस्टल स्कल्स जिसके साथ हम हीलिंग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स। दिस इज क्लियर पॉट स्कल, इनके अंदर एक रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है, डिवाइन एनर्जी ऑफ द गोल्डन रे। आप इसको हाथ में लेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी आप जो देख रहे हैं it is something you know, sab kuch hamare brain mein hota hai, it has the codes from generation to generation from the civilization of Atlantis to now. ab sochiye ki kitna zyada potent hota hoga, and every skull reflects the same code. we will be programming these skulls. i think Shilpi ji, ek baar main ye shoes lagata hu ppt, isse kafi sare question resolve ho jayenge, right sir? see ma'am, ye crystal ka skull hai, real skull hai? नहीं नहीं, सारे क्रिस्टल्स कल है, रियल स्कल्स के साथ वी आर नॉट अलाउड, वी आर नॉट शमंस, शमंस यूज करते हैं हम लोग तो डर भी जाएंगे। दीज आर क्रिस्टल स्कल्स, और डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल स्कल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? तो हम 12 स्कल्स के साथ काम करेंगे, और 13 स्कल हमारा अपना होता है। वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है मैम। इट इज रिक्वायर्ड, इट इज मैंडेटरी टू दैट वी हैव टू हैव दिस ऑल स्कल्स एंड मरकबा। अगर आपको तुलिका जी, आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास इक्विपमेंट होगी, आप अच्छा सीखेंगे। अगर आप इक्विपमेंट नहीं होंगे तब भी सीखेंगे, सीख तो आप जाएंगे, बट प्रैक्टिस के लिए तो आपको इक्विपमेंट चाहिए, वो आपके ऊपर है, इक्विपमेंट है ना, राइट? जी शिल्पी जी, यू मे प्लीज स्टार्ट फ्रॉम, सो दैट लॉट ऑफ क्वेश्चन विल बी रिजॉल्व बाय दिस। देखिए, कनेक्ट, दिस इज द ग्रिड, ये वाली ग्रिड हम करेंगे, या तो इस ग्रिड की फोटो निकाल के हम लोग, ये मैंने आज आपके लिए स्पेशल किया था, इस ग्रिड की हम फोटो निकाल कर भी अपने घर में एक प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हैं। दिस इज सच अ डिवाइन ग्रिड, ये है सर, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। दिस इज ट्री ऑफ लाइफ, आप ये देख रहे हैं, कबाला में हमारे सारे चक्रास, जो हमारा एज अबव सो बिलो, सारे चक्रास जिस वे में कनेक्टेड होते हैं, इट इज दैट डिवाइन ग्रिड जो गोल्डन रे से जाके हमारी मिलती है। दैट ग्रिड इज कम्प्लीटली चार्ज्ड, अगर उसकी फोटोग्राफ भी आपके घर में लग जाती है, द होल स्ट्रक्चर एंड द एनर्जी स्ट्रक्चर ऑफ योर हाउस चेंजेस। वो ग्रिड मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, कैसे बनाते हैं, आप वो ग्रिड बनाएंगे और उसके साथ काम करेंगे। ये गोल्डन रे के हम इनिशिएशन के बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली दिस इज ऑल द एक्सप्लेनेशन अबाउट वॉट विल बी डूइंग, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। हाँ, आई वुड लाइक टू सी, ये जो सर स्कल के ऊपर लेकर आएगा स्कल, हाँ ये वाला, ये जो क्रिस्टल स्कल है, दिस इज द एक्चुअल फोटोग्राफ ऑफ द दैट डिवाइन स्कल, इसका नाम है शानारा। दिस इज द एक्चुअल फोटो ऑफ ये जो हमारी एक शमन थी, जिनका स्कल आफ्टर हर डेथ, उनका जो स्कल था वो क्रिस्टल में चेंज कर दिया गया बाय द डिवाइन बींग्स। ये बहुत ज्यादा एंशियंट, मतलब इसकी जो एज है वो नहीं पता, साइंटिस्ट ने भी सब कुछ इसका देख लिया है कि ये जो स्कल्स थे, जो हमारे एंशियंट स्कल्स थे, उनके पर एक भी मेटेलिक औजार का निशान नहीं है। ये जो बने हैं दे आर कंप्लीटली, उनका आउट ऑफ ग्रेविटी बने हैं, ये सिंगल पीस ऑफ क्रिस्टल से बने हैं, उनका जो जॉ है वो एकदम अलग है, मतलब इट इज दैट डिवाइन स्कल। हम इन्हीं स्कल्स की एनर्जी रिफ्लेक्ट करेंगे अपने सारे स्कल्स के अंदर और उससे हीलिंग करेंगे, राइट? शानारा जो मैंने आपको बताया, अगेन सर नीचे करेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड हाँ, गोल्डन डीएनए एक्टिवेशन का बेनिफिट क्या है? ये इनिशिएट करती है अवेयरनेस ऑफ योर हायर सेल्फ. इट एक्टिवेशन इज सोल रिट्राइवल, मतलब आपकी जो सोल है, जब से आपकी सोल बनी है और अब तक उसके अंदर जितने जितने फॉर्मेशंस डीफॉर्मेशंस हुए उन सबको अलाइन कर देगी. इट क्रिएट्स सोल रिस्टोरेशन, आपका एक नया, आपको लगेगा आपको पुनर्जन्म है, आप बहुत फ्रेश हो जाएंगे, आप नए हो जाएंगे. शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको भारी लगेगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा हैवी एक टेक्निक है. आपकी पूरी रेजुविनेशन होगी, आपको यूनिवर्सल लॉ के साथ अलाइन कर देगी. सी जो यूनिवर्सल लॉ है, हमें कोई प्रॉब्लम कब आती है? जब हम यूनिवर्सल लॉ से डेविएट हो जाते हैं, राइट? दीज टेक्निक्स विल अलाइन योर एनर्जी टू द यूनिवर्सल लॉ. आप सोचेंगे ही उसी फॉर्म में, तो आपकी सक्सेस 100% कंफर्म्ड है, राइट? देन एक्टिवेशन प्रोवाइड्स की टू असेशन. व्हाट इज असेशन? असेशन क्या होता है? अभी हम जिस लेवल पे ह्यूमैनिटी जिस लेवल पे है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सोच विचार आगे बढ़ते जा रहे हैं. ये जो प्रोग्रेस, चाहे साइंटिफिकली प्रोग्रेस है, चाहे किसी भी टाइप की प्रोग्रेस है, वी हैव सर्टेन डेस्टिनेशन, हमें जहाँ पहुंचना है, तो धीरे धीरे हमारा असेशन बहुत जल्दी हो जाता है. इट विल एक्टिवेट योर डिवाइन लव, जिससे आपके सारे रिलेशनशिप अपने आप रिजॉल्व होंगे. इट इज अ स्पिरिचुअल गिफ्ट. सी व्हाट इज स्पिरिचुअल गिफ्ट? वी टॉक अबाउट क्लियर वॉइस, क्लियर ऑडियंस. अपने आप ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है ना, आपके अपने आप एक्टिवेट होंगे. आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. इट शिफ्ट द अवेयरनेस टू योर लाइफ पर्पस. आपका जो लाइफ पर्पस है, हमेशा हमारे एक अंदर एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज अवर पर्पस ऑफ लाइफ. ठीक है, हमारी रिलेशनशिप है, ठीक है, हमारी जॉब है, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट यू विल बी गाइडेड, यू विल बी सैटिस्फाइड, यू नो, योर लाइफ विल बी सैटिस्फैक्ट्री. आप अपनी उस सेटिस्फेक्शन से लाइफ जियेंगे. देन फोकस योर मैनिफेस्टेशन मास्टरी. आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज को पाने के लिए यू विल बी मास्टर टू डू दैट, राइट? क्रिएट सेंसिटी फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, अट्रैक्ट हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ए गोल्डन डीएनए एक्टिवेशन. दीज आर द बेनिफिट्स. द नेक्स्ट स्लाइड. मैम एक चीज पूछनी है, रिग्रेशन. जी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपने बोला था ना, तो वो एडवांस में नहीं, वो आप अभी एडवांस जो क्लास है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसमें है, और पास्ट लाइफ इसमें भी है. इसके अंदर भी हम लोग एक टाइमलाइन पे इसमें भी करेंगे, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमारी एडवांस क्लासेस में भी है. तो मैम मेरा, हाँ जी, सॉरी, आप पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम, आप पूछ लीजिए. मैम ये पूछ रही थी, ये डीएनए गोल्डन रेज एक्टिवेशन है, इसके लिए हमें स्कल पेयेंगे ही चाहिएंगे या बिना उसके? इसके लिए स्कल की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपके पास जो लेमुरियन क्रिस्टल है वो सफिशिएंट है. मोस्टली हमारी जो हीलिंग होगी लेमुरियन क्रिस्टल से होगी, मोस्टली स्कल से भी होगी. तो आपके पास जो अवेलेबल है वो करिए. अगर आपको प्रोफिशिएंट बनना है, अगर यू नो, जो भी लोग सुपर इंटरेस्टेड रहते हैं अपना सीरियस डेवलप करने के लिए, तो धीरे धीरे किट का भी बता दो ना मैम. मैम मरकबा, मरकबा भी आपने एक स्टोन में दिया, अगर हम सीख रहे हैं तो वो चीज हमारे पास होनी चाहिए. हाँ मैम, मैं वही पूछ रही थी उस टाइम पे, आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए. ये जो सारा आपका जब ग्रुप बन जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका पैकेज है वो हीलिंग किट का, तो वो भी बता दीजिए. देखिए, आपको सारी, जब आपका ग्रुप बनेगा सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, जैसे जैसे चाहिए. देखिए, हमेशा आई नो कि एक साथ कोई भी नहीं लेता, आप कुछ लोग ले भी लेते हैं, आप धीरे धीरे अपना इकट्ठा कीजिए. धीरे धीरे भी करेंगे तो हमें पैकेज तो पता होना चाहिए ना, इतना पैसा लगेगा. आपके ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. वंस यू गेट एनरोल्ड, यू विल हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन. मंजू जी, इन्फॉर्मेशन के लिए ना आप एकेडमी से संपर्क कर लेना, नहीं तो आप अलग एकेडमी बता देंगी, एकेडमी के टीम नंबर्स पे आप संपर्क कर लेना, और इन्फॉर्मेशन अदरवाइज ग्रुप के अंदर आपके पास आ जाएगी. जब जो लोग याददाश्त के लिए कौन सा स्टोन यूज करें, कौन सा क्रिस्टल, बता दो मंजू जी को, बता दो शिल्पी जी, बता दो. मंजू जी देखिए, जो हमारा ब्रेन है उससे एमेथिस्ट बहुत ज्यादा रिजोनेट करता है. क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट दोनों को साथ में रख के याददाश्त के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. तो कहाँ रखना चाहिए मैम, ये भी आप जहाँ सोते हैं ना, बेड के पास साइड टेबल पे रख दीजिए. ओके, थैंक यू मंजू जी. आपकी, आपको क्योंकि मंजू जी की लग रहा था कि क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा आती है, उससे उनकी थोड़ी क्यूरियोसिटी इजर्ड हो जाएगी. इट्स गुड. मेरे को शॉप भी खोलनी है ना, हीलिंग का सेंटर खोलना है. मैम बिल्कुल खुलेगा, देखिए जहाँ चाह वहाँ रहा, अगर आपकी चाह है तो डेफिनेटली यू विल हैव दैट. मैम मैं 3 महीने से ट्राई कर रही हूँ.
यू लैंडेड एट द राइट प्लेस. मुझे ये पूछना था जो मरकबा है, आपने अभी तो एक ही स्टोन का दिखाया था, रेड कलर में है तो ब्लड जो है, तो ये तो सारे अलग अलग कलर के, हाँ सेवन चक्र के आते हैं ना मरकबा? जी जी सेवन ही, ये अनलिमिटेड कलर्स में आते हैं, ये हर क्रिस्टल में बनते हैं. ओके हम मोस्टली सेवन चक्र का यूज करते हैं, आप एक सिंगल भी कर सकते हैं यूज. मैम ये जो हमारा एडवांस और ये सुपर एडवांस, ये दोनों पैरेलल चलेगा क्या? अर्चना जी सुपर एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड जो एडवांस लेवल था वो पैरेलल नहीं है, तो जिन्होंने एडवांस नहीं किया और जिनको करना है वो वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, उनके पास अभी 10 दिन का करीब टाइम मिलेगा बीच में, और उससे जो करने के बाद उनके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें शिल्पी जी उनके क्यू एंड ए क्लास ले लेंगी अलग से बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कोर्स और इन बिटवीन जैसा जरूरत पड़ेगी, ताकि आपके जितने प्रश्न होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे. तो जिन लोगों ने एडवांस नहीं किया, बेसिक कर लिया है, वो वीडियो के माध्यम से एडवांस करें, अपने कम्फर्ट से करें, और उनके क्यू एंड ए शिल्पी जी करवा देंगी सारे. ओके तो ये कब से शुरू होगा सर, ये जो अभी ये वाला ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, दिस कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे सैटरडे, इसका डेज है, नेक्स्ट फ्राइडे हमने डिजाइन किया है, बट एडवांस के अगर काफी सारे होंगे या बेसिक एडवांस काफी लोग होंगे जिन्होंने नहीं किया, सो वी मे लुक इनटू वन और टू डेज, आगे पीछे हम सब कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ द शेड्यूल इज ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है, विच मीन्स टूडे इज अ संडे, नेक्स्ट फ्राइडे, तो 5 दिन है, लेकिन अगर फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वी कैन सी टू रीच रूल इट, वन और टू डेज आगे पीछे कर लेंगे इसको, ठीक है. ओके जी नमिता जी आपका प्रश्न पूछिए. नमिता जी जी नमस्कार सर. नमस्कार जी. नमस्कार मैम, मुझे ये पूछना था जो हम लोग बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं उसके बाद वाला ही कोर्स है ना ये? नहीं मैडम, ये उसके नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है ये. अच्छा तो नेक्स्ट लेवल अभी एडवांस लेवल अभी एक और है, बीच में एडवांस लेवल है जो आपको करना चाहिए, और वो कोर्स जो है वीडियो के माध्यम से आप कर लें अगर आपको नहीं किया तो, और अच्छा, उसके लिए क्यू एंड ए हम करेंगे, यही मैंने अभी अर्चन जी को भी बोला था, अभी क्यू एंड ए उसका हम करेंगे, उसकी हम एक या दो क्लास क्यू एंड ए की डिजाइन करेंगे, ताकि आपको आसान हो जाए उसको समझना, ठीक है. दरअसल कंफ्यूजन ये था क्योंकि हमारा जो है वो B2A था, तो उसके बाद एडवांस, उसके बाद एडवांस प्लस का एक लेवल है जो हमने किया था पहले, ठीक है, दो बार हम कर चुके हैं वो लेवल ऑलरेडी, तो उस लेवल को आप वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं. फिर भी उसके बावजूद भी जब भी वो रिपीट शुरू होगा एडवांस लेवल, उसमें आपको एंट्री एज एन एकेडमी पॉलिसी वो आपको फिर भी मिलेगी, वो तो पता है मुझे. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब हम वीडियोस देखते हैं ना सर अपनी क्लासेस के, तो अगर हम कोई भी स्लाइड या कुछ हम पिन करके दिखाते हैं ना तो वो स्क्रीन पे आती है, अदरवाइज वो ना बहुत छोटी आती है, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग लैपटॉप पे आ जाएगी, लैपटॉप पे हो जाती है बड़ी, लैपटॉप पे बड़ी हो जाती है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे बड़ी हो जाती है सर. वो तो ठीक है, मोस्टली हम लोग मोबाइल पे अगर देख रहे हैं तो मोबाइल पे बड़ा वो, उसका मोबाइल का साइज ही उतना, तो वो बड़ा कैसे होएगा? मैम आपको नोट्स में सारी स्लाइड्स मिलती है. हाँ, 200 भी साइज स्लाइड शिल्पी जी देती है, इट्स अ ब्यूटी ऑफ शिल्पी जी, इट्स अ वेरी बिग ब्यूटी ऑफ शिल्पी जी, वो जो स्लाइड्स वो दिखाती हैं आपको वही स्लाइड्स वो नोट्स के रूप में देती हैं, विच बिकम वेरी इजी टू डू कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन को बिठाने के लिए आपको जो आप देख रहे हो वो आपको सेम मिल जाता है, तो इट्स बिकम इजी, एंड शी डिलीवर एज इट इज दो स्लाइड्स, मतलब वो बिल्कुल भी कुछ हाइड नहीं करती कि कुछ, मतलब जैसे आमतौर पर होता है कि हम अपना मटेरियल दे देंगे तो कोई मटेरियल ले ना ले, दे शी इज ओपन हार्ट, ओपन माइंडेड, शी सेड डू व्हाटएवर यू कैन डू दैट, बिग हार्ट रेडी सर. मैं तो और कोर्स सर एकेडमी में सबका ऐसा है सर, राजीव सर आप भी ऐसे ही देते हैं. मेरा मैं ऐसे, मुझे ऐसा ये ठीक ही बोले, एकेडमी में भी सब भी ऐसे से, सब भी ऐसे बिग हार्टेड है सर, आप खुद हो ये तो आपसे सर जानते हो, आपको संगीता मैडम भी देती है और अंशु मैम भी देखिए, आप सब इतने अच्छे हो, आर वेरी नाइस मैम, आप सारे ही लोग इतने अच्छे हो कि हमें दिल ही नहीं करता कि हम अपने पास कुछ रखें, फिर लगता है कि जो हम दे दो आपको. कितनी अच्छी फैमिली लग रही है, वी आर अ फैमिली एंड यू नो इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ अस टू कनेक्ट एंड यू नो मूव फॉरवर्ड. मुझे इतना अच्छा लगता है कि वी आर अ आर्मी नाउ, सच में ऐसा, सिर्फ आर्मी बनाओ हीलर्स एंड मूव फॉरवर्ड.
ग्रेट, वी आर डिस्टाइन पीपल। जीगा शाह जी आपका वीडियो ऑन करें। जीगा शाह जी मेरे को ना शिल्पी जी एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे अभी आपने कहा कि हम क्रिस्टल हीलिंग में इस बार हम न्यूमरोलॉजी भी ऐड करेंगे, तो अगर किसी को बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो क्या उसको... बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं पता तो भी चलेगा। ओके बट वर्तिया जी आपको तो पता है, आपका ये क्वेश्चन क्यों है, व्हाई? सर अगर मैं किसी न्यू पर्सन को ज्वाइन करना मतलब सोच रही हूँ किसी के बारे में, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिल्पी जी की। इसीलिए ना अगर पूरी क्वेरीज हो कुछ पता हो, नया व्यक्ति आएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिल्पी जी की, बिकॉज यू आर हैंडेड ओवर टू द फैकल्टी। यस यस, मैं तो सर आज देखिए ना सर मैंने ज्वाइन किया हुआ है ना, शिल्पी का था, शिल्पी जी का था, तो फिर मैं तो नहीं छोड़ती ना, या आपका हो या किसी भी फैकल्टी का, मुझे इंटरेस्ट है तो मैं तो करती ना। आपसे भी कहा हुआ है सर, वो जो अपना आप जो ला रहे हैं एडवांस वाला एस्ट्रल वास्तु, कि सैटरडे संडे को छोड़कर सर ले आइए आप। जी आप ये सवाल जवाब भी करेंगे कि हम कुछ और आगे का बताएंगे नए जो जुड़ रहे हैं उन लोगों को? नहीं मैम, आई हैव वन स्मॉल रिक्वेस्ट, कितना कोर्सेस है आपके क्रिस्टल का वो बताइए, देन वी कैन क्रॉस चेक हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। और एक बात है कि एलिक्सर्स भी सीखना है, व्हेन वी नो सो मच व्हेन वी कम टू टीचर लेवल तो हमको एलिक्सर्स भी बनाना सीखना है। और राइसा भी बताया था ना, तो मैंने दो तीन, ओके आई एम सॉरी देन बिकॉज दो तीन क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाई, आज भी मैं बाहर एडवांस में कराया था ना, एडवांस में कराया था ना एलेक्सिया, तो बेसिक में नहीं, बेसिक में हो गया, बेसिक में हो गया। हां जी Okay. हाँ वही मैम, किस में क्या है वो हमको पता चलने से ना, वो वाला वीडियोस का कोर्स मैं एडवांस का आपको थोड़ा सा शेयर करती हूँ, राइट? गिव मी अ मोमेंट, हम एडवांस में क्या कराएंगे। हाँ सर इतना आप थोड़ा देखिए, मैं एक बार स्लाइड सर्च करके। जी बिल्कुल, आप मेरे को दे दीजिए, मैं लगा देता हूँ यहाँ से, या आप लगा ट्राई करके देख लीजिए आपको लग जाता है तो। We are going to start, Shilpi ji is going to start few couple of crystals study on the on today's webinar. ये advanced के crystals तो timeline का आपने बताया था, तो वो timeline क्या है? Timeline होता है आप जिस आपकी soul जब से बनी है, from that point of time to the time आपने ये जो birth लिया है, आपको हमें नहीं मालूम कि इस timeline में कितने हमने birth ले चुके हैं, right? तो this is the timeline. जिसके और उसके बाद आगे भी जो टाइमलाइन है हमारी, जो फ्यूचर हम जिसे कहते हैं, दैट इज द टाइमलाइन। तो उस टाइमलाइन पे क्योंकि जो यूनिवर्स है या फिर जो फिफ्थ डायमेंशन या नाइन्थ डायमेंशन, ना तो उसके अंदर कोई टाइम होता ना ही उसके अंदर कोई स्पेस होता, तो दैट इज वाई अभी हम जब थर्ड डायमेंशन में टाइमलाइन पे काम करते हैं तो सारा हम लोगों को अचीव हो जाता है, वी कैन वर्क इन एनी वे, राइट? तो वो हीलिंग का टाइमलाइन है जी सर, आप हीलिंग कर सकते हैं, विश मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैम एक चीज बताइए, कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो हमें ये पता चल जाता है उसको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल पता चलता है, सबसे पहले तो मैम सबसे पहले देखिए जो कस्टमर, देखिए ये तो सारी चीजें आपको वो खुद ही बताएंगे, प्लस आपको जब चक्रा हीलिंग करेंगे तो जब हम एडवांस में देखते हैं चक्रा हीलिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है डाउजर से, डाउजर सब बता देता है, हम उसके बाद पूरा चार्ट बनाते हैं कि कौन सा चक्र कितना है, तो वो हम भी फाइंड कर सकते हैं अपना एडवांस में। मंजू जी ब्राउज़र का वो तो मैं ले ही लूंगी आपसे सर जी, अगर मेरे को पूरा सीखना होगा अच्छी तरह तो आई हैव टू डू इट। बिल्कुल ठीक बोले आप। और शिल्पी जी आप जो स्लाइड्स एडवांस की जो क्रिस्टल्स की स्लाइड्स आप ले रहे हैं एडवांस क्रिस्टल्स, प्लीज वो आप भेज दीजिए या फिर आप लगा दीजिए। राइट, मीनवाइल नम्रता जी आपका जो प्रश्न आप बोलिए। सर वो मैं हैंड डाउन करना भूल गई। राइट, संदीप जी आपका प्रश्न हो गया। ऑल राइट, और डॉक्टर एसजी जैन जी ने बोला था कि आर वी गोइंग टू डू सम क्रिस्टल्स, यस वी आर गोइंग टू डू सम क्रिस्टल्स हियर टुडे, so give few minutes. जी डॉक्टर जैन बताएं आप क्या कह रहे थे।
कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आज होने वाला है जी? बिल्कुल, दैट्स व्हाट शिल्पी जी का शेयरिंग नहीं हो रहा आज सर, आज हम जैसे जो हमारी एडवांस की क्लासेस रहती हैं, थोड़ा सा हम लोग ब्राउजर्स पे बात करते हैं या फिर पेंडुलम पे बात करते हैं, राइट? या फिर देखिए आज एक बहुत अच्छी एक मजेदार एक टेक्निक देखते हैं आप लोगों के पास, जिसके पास भी ब्राउजर है यू कैन टेक आउट द ब्राउजर, हम ब्राउजर से कुछ करते हैं। या फिर आपके पास अगर ब्राउजर नहीं है तो आपके पास कोई भी पेंडेंट है आप वो निकाल सकते हैं। ब्राउजर के में आती है सर, शेयर नहीं हो रहा है। यू जस्ट सेंड इट टू मी। सर इशू है सर, ये हमेशा यूज करते हैं हम लोग सर, इसको देख लीजिएगा। नहीं ये शेयरिंग तो हो रहा है, मेरी स्लाइड से शेयरिंग हो रहा है, मे बी क्लास के टाइम पे भी कुछ होता है, अब ये इधर से होता है समझ नहीं आता। ठीक है, देन आई विल चेक, ओके मैं चेक कर लूंगा। ये सर आई एम शेयरिंग दिस स्लाइड विद यू, तो आप प्लीज ये कर दीजिएगा। ये भेजें, आप भेजें। सर फिर एडवांस की क्लास कब रखेंगे उसके बाद में? एडवांस की इसके बाद करेंगे, अभी तो एडवांस वीडियो से होएगा और उसका क्यू एंड ए करेंगे हम, लेकिन उसके बाद हम क्लास एडवांस का जो सेशन नया जो बैच स्टार्ट होगा वो आफ्टर दिस मास्टर एडवांस जो हो जाएगा इसके बाद करेंगे दोबारा। ओके, क्योंकि सर मैम की लाइव क्लास बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाती है और उनकी क्लास बहुत अच्छी होती है, तो मतलब उनकी क्लास मैंने कभी मिस नहीं की है। नहीं जरूर, बिल्कुल करेंगे इसको हम। राइट, सो आई एम पुटिंग इट ऑन स्क्रीन। शिल्पी जी कौन सी स्लाइड पे जाना मेरे को बता देना। देखिए मैं थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया देती हूँ क्रिस्टल हीलिंग कैसे करते हैं। ये देखिए सर, ऊपर एक बार करिएगा, हम शुरू से ही ले लेते हैं, ये पूरा साइड लेते हैं बेनिफिट्स। ये भी नीचे आएगा तो और नीचे कीजिएगा और नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट 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 स्लाइड जी, नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट और कौन सी? ओके सर, ऊपर। अब हम बेनिफिट्स एक बार कुछ हम क्रिस्टल्स के बेनिफिट देख लेते हैं, लेट अस डू फॉर सम क्रिस्टल्स। ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फियर एंड डिसीजेस, ठीक है? तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में प्रोटेक्शन। अगर हम कहते हैं ना प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये आप समझ लीजिए लाइफ में प्रिवेंशन है आपकी लाइफ में। तो दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड शंगाइट, ये इतना डिवाइन क्रिस्टल है शंगाइट, बहुत ही डिवाइन क्रिस्टल है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है आपके जो अराउंड हमारी जो EMF रेज होती है, जैसे आजकल तो हमारे अराउंड होती ही EMF रेज है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेज जो होती है। अभी हम लोग लैपटॉप से बात कर रहे हैं, फोन से बात कर रहे हैं, हमारे घर में वाईफाई राउटर है, टेलीविजन है, हम लोग सब के सब सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से घिरे हुए हैं और इसका फॉग इतना जबरदस्त हो गया बिकॉज इट इज अफेक्टिंग अवर हेल्थ। एंड जस्ट बाई कीपिंग द शंगाइट अराउंड दीज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर अपने अराउंड, यू आर गेटिंग प्रोटेक्शन। हम ऐसे इनविजिबल वेब के अंदर है जहाँ पे हमारे जो अपने एक नेचुरल मैट्रिक्स है ना वो ब्लॉक हो रहे हैं। आप सोचिए आपके सारा अराउंड एक वेब है, ठीक है? अब जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके नेचुरली डिवाइन से आपके पास आनी है तो उसके अंदर ब्लॉकेज होगा नहीं होगा? क्या वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी एक जो नेचुरल आपका लिविंग है उसके अंदर ब्लॉकेज होगा नहीं? आपकी जो हेल्थ है, द एनर्जी यू आर वाइब्रेटिंग इनटू द यूनिवर्स, उसके अंदर ब्लॉकेज होगा नहीं होगा? तो दिस इज अ मस्ट क्रिस्टल इन ईच एंड एवरी हाउस। मैं कहती हूँ हर किसी को ये किसी ना किसी फॉर्म में पहनना भी चाहिए। देखिए इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ।
दिस इज शंघाई पिरामिड, ये मैंने अपने लैपटॉप अपने ऑफिस में रखा हुआ है शंघाई, ये हमने ऑर्गोन का रखा हुआ है, मेरे पूरे घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह सब इससे इजीली दे आर गेटिंग क्लियर्ड, राइट। तो दिस इज वन ऑफ दोस मटेरियल, आप सब आज हम एक सेमिनार में वेबिनार में आए हैं, प्लीज टेक द बेनिफिट अपने घर में शंघाइट का, चाहे पिरामिड चाहे किसी भी फॉर्म में शंघाइट रखिए, सो टू गेट द बेनिफिट, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए जो हमारे बच्चों की एनर्जीज होती है दैट इज वेरी डेलिकेट, राइट। हमारी भी एनर्जीज ऑफकोर्स डेलिकेट होती हैं, लेकिन वो इतना पता नहीं चला, धीरे धीरे जब इतना इफेक्ट आ जाएगा कि पता लगने लगेगा फिर लोग इसके पीछे भागेंगे, हम वो टाइम क्यों आने दें। नेक्स्ट स्लाइड, बाय ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए ये हमारा एलेक्सियर का आ गया, नंदिनी जी हमारे साथ थी, हमारे साथ है जो एलेक्सियर के बारे में बात कर रही थी। देखिए व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एलेक्सियर, एलेक्सियर क्या होता है, प्लीज अपने जो वॉइस है म्यूट कर लीजिए जी। एलेक्सियर का बेनिफिट क्या होता है, ये जो क्रिस्टल्स के जो मैट्रिक्स होते हैं ना, दे हेल्प अस इन गेटिंग एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम अवर बॉडी, हमारे जो बॉडी के बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, किसी भी फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज हैं उनको किल करते हैं। हाउ दे डू दैट, बिकॉज जो हमारी ओरिजिनल वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी जो है वो उसके साथ रिलेट करते हैं, एंड ओनली थिंग विच इज वाइब्रेटिंग विच इज रिजोनेटिंग विद दोज वाइब्रेशंस आर देयर, और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सारी फ्लश आउट होती है, राइट। So we are also vibrating on the vibration of the crystal. They have the natural vibration जो हमारी body से correlate करती हैं. This is how we make elixirs. अब जैसे protection के लिए चाहिए, आप black tourmaline का बना सकते हैं indirect way में. जरूरी नहीं आप हर crystal पानी में डाल रहे, because हर crystal पानी में safe नहीं होता. हम इसका indirect way बनाते हैं कि नीचे आपने crystals रख दिए और ऊपर उसके पानी. उसके लिए हमने जैसे एक jug भी बनाया था. This is ये मैं अपने पास हमेशा ही रखती हूँ. जैसे ही आप ये देख रहे हैं, और कौन अभी मेरे पास वो प्लेट नहीं है, अब सर ने भी बात जैसे आपको बताया था शुरू में, हमने ऐसी ही ऑर्गोन प्लेट की जो उसके डिफाइंड क्रिस्टल्स होते हैं, जिस एनर्जी से पानी एकदम चार्ज होता है, जो हमारी बॉडी बॉडी को रिजोनेट करता है, जिससे हमारी हायर एनर्जीज वाइब्रेट होती है, वो सारे क्रिस्टल्स हमने उस प्लेट में डाले, उस जग में लगाया, सो दैट द वॉटर एलेक्सियर वी आर ड्रिंकिंग एवरी टाइम वी आर गेटिंग एनर्जाइज विद दैट वॉटर, राइट। सर नेक्स्ट लाइन, ट्रेडिशनल वाटर इन्फ्यूज विद शंघाइट। अब देखिए शंघाइट, हाँ शंघाइट में अगर हम शंघाइट पानी में डालते हैं, आपको मालूम है कि जो बड़े बड़े हमारे वाटर प्योरीफायर्स होते हैं उसके अंदर शंघाइट की ऑलरेडी प्लेट लगी होती है। जियोलाइट्स एंड शंघाइट, दीज आर टू क्रिस्टल्स जो ऑलरेडी बड़े प्योरीफाइंग प्लांट्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ क्लीनिंग द वॉटर, राइट। जैसे हम कहते हैं क्रिस्टल्स क्वार्ट्ज वॉच, क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल क्वार्ट्ज है वो घड़ी में क्यों लगा, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी कि वो हमेशा एक सिंगुलर टाइमलाइन पे रहता है, वो पर्टिकुलर उसकी कभी भी चेंज नहीं होती, तो टाइम का वेरिएशन कभी चेंज हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम क्वार्ट्ज यूज करते हैं, राइट। इसलिए हर क्रिस्टल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। अब इससे क्या फायदा है, एलर्जी, सोर थ्रोट्स, एस्मा, गैस्ट्रिक इश्यूज, आर्थराइटिस, किडनी प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वी आर गेटिंग अवे विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स। अब ये देखिए, दीज आर द शील्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एमिशंस, द स्टोन हैज द एबिलिटी टू शील्ड यू फ्रॉम ईएमएफ रेडिएशंस, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। शंघाइट, ये सारे जो रेडिएशंस है, जैसे मोबाइल टावर्स हो गए, या फिर यू नो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो उससे हमें हेल्प मिलती है। नाउ दिस इज अनदर थिंग, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल कॉइन। कॉइन क्या होता है, ये आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, ये बच्चे खेलते हैं ना एक के ऊपर एक पत्थर रखना, दिस इज सम यूनिक फॉर्मेशन, ये कॉइन होता है। लोग इसको अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए, ये चाइना में तो बहुत ज्यादा प्रचलित है दिस सिस्टम, कि हम स्टोन के ऊपर स्टोन रखे ना, एक बैलेंसिंग क्रिस्टल हम कॉइन बनाते हैं, एक पिरामिड बनाते हैं, जिससे जो आप अपनी भावना लेकर बनाते हैं उसके ऊपर वर्क करता है। लाइक आप अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए बना रहे हैं, बहुत इजी होता है, आप कुछ पत्थर या क्रिस्टल्स इकट्ठे कीजिए, आप उसका एक पिरामिड अपने दिमाग से बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आप सपोज ले रहे हैं आपकी प्रोग्रेस इन योर जॉब, अगर आपकी प्रोग्रेस जानी होगी ना, तो वो धीरे धीरे आपका कैन बनता जाएगा, वो गिरेगा नहीं, वो अपने आप एक बैलेंस लेता रहेगा।
अब वो आपको बताएगा कि कितने टाइम तक आपको बैलेंस रहेगा, यू नो वो उतना टाइम तक टिका रहेगा, थोड़ा सा जल्दी गिर जाता है तो इसका मतलब यू आर नॉट स्टेबल इन योर जॉब. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विद क्रिस्टल्स यू कैन डू डिविनेशन, हम इसके कहते डिविनेशन अपने बारे में पता लगाना. लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए उस जॉब में तो आप क्या करेंगे, मेरा ये तरीका है, मैं डबल टेप लेती हूँ, नीचे स्टोन के लगाती हूँ और वो गिर ही नहीं सकता, राइट. तो उसके इस तरीके से हम लोग एक इंटेंशन क्रिएट करते हैं और हमारी प्रोग्रेस निश्चित होती है, ठीक है, ये एक तरीका है. अब देखिए रिलेशनशिप के लिए हम कुछ बताते हैं कि आर्गुमेंट बिटवीन कपल एंड फ्रेंड्स. ओके देखिए, स्प्रिंकल ड्राई ब्रेजिल ओवर द पिक्चर ऑफ अ पार्टनर, कीप अ पीस ऑफ रोज पॉट्स. ये इतना गजब तरीका है, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को जिसके बीच में भी रिलेशनशिप इश्यूज है मैं उनको देती हूँ और बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन सॉल्व होती है. ये आप एक इसको ना हिंदी भाषा में टोटका समझ लीजिए, रोज पॉट्स का एक पीस लीजिए और सूखी तुलसी लीजिए, ठीक है, बेजल, ड्राई बेजल लीव्स. आपको जो कपल है उसकी फोटो के पास ये दोनों चीजें रखनी है, या फिर कंप्लीट एक बाउल के अंदर सूखे तुलसी जी भर के उसमें रोज पॉट्स रख दीजिए और वो फोटो लगा दीजिए विद द इंटेंशन कि इनके बीच में जो भी टॉक्सिसिटी है वो बेजल और रोज पॉट से खत्म हो जाए और रोज पॉट्स उनके लव को एनहेंस करे. आप देखिएगा चाहे जो डिवोर्स भी होने वाले होते हैं ना वो भी हट जाते हैं, डिवोर्स तक खत्म हो जाते हैं, राइट. नाउ क्रिस्टल्स फॉर शाइटिका पेन. शाइटिका तो ये सारी चीजें ऐसी एक्चुअली ये ना रोजमर्रा लाइफ में हम सबके कहीं ना कहीं विद एज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम शाइटिका. व्हाई? बिकॉज हम लोगों की बैठने की जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल गलत है. हम लोग किसी भी तरीके से बैठते हैं फिर उससे क्या होता है जो हमारे वेन्स होती है गोइंग थ्रू अवर स्पाइन वो कहीं ना कहीं दब जाती है. तो शाइटिका पेन भी L4 L5 के बीच की जो वेन होती है हमारे अगर वो थोड़ी सी दब जाती है तो वहां से शाइटिका पेन आ जाता है. तो क्रिस्टल्स हेल्पिंग यू रिकवर फ्रॉम दैट कंडीशन इज लैपिडोलाइट, ग्रीन टर्मोलिन एंड हेमिटाइट. ठीक है, बहुत अच्छी हीलिंग होती है. आप ये तीन क्रिस्टल लीजिए. सबसे पहले यू शुड नो हाउ टू क्लीन देम. ठीक है, उनको क्लीन कैसे करना है, उनको एनर्जाइज करना है, फिर जहां पे पेन हो रहा है ना वहां पे रखना है विद द इंटेंशन कि दैट क्रिस्टल इज सकिंग आउट ऑल द पेन. हमारे साथ नीना जी हैं. नीना जी, आई वुड लाइक यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ नी पेन. नीना जी, इज शी देयर विद अस? ओके नीना जी, जब हम अपने बेसिक क्लास के अंदर, हाँ नीना मैम यू आर देयर? नीना जी, ओके मे बी शी इज बिजी. तो जब नीना जी के नी पेन था तो हमने उनसे बोला कि उनको एक रेलिवेंट क्रिस्टल बताया. आप वो क्रिस्टल अपने पेन के लिए जो होता है उन्होंने नी के पास रखा और जो पेन उनका बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा था बाय जस्ट पुटिंग दैट क्रिस्टल एट हर नीज उनका पेन अगले दिन तक काफी हद तक 60-70% तक ठीक हो गया था. मतलब दिस इज द मैजिक ऑफ क्रिस्टल, राइट. अब क्रिस्टल फॉर आर्थराइटिस, आप ये देखें मेलाकाइट, ये सारी बोन्स की प्रॉब्लम के लिए ना मेलाकाइट इज द बेस्ट क्रिस्टल. इसको लेवेंडर और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के साथ आप यूज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस कर देता है. नेक्स्ट इज सर, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, टू क्विट स्मोकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. टू क्विट स्मोकिंग, एमेथिस्ट. एमेथिस्ट जो मेरे बेसिक के स्टूडेंट्स है या एडवांस के स्टूडेंट्स है सबको मालूम है एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको किसी भी एडिक्शन से दूर करता है. इट इज अ वंडरफुल क्रिस्टल और उसके साथ अगर हम हेमेटाइट यूज करते हैं सी दिस इज द कॉम्बिनेशन 4 ब्लैक रेजिन सोक देम इन वाटर ओवर नाइट. ठीक है, एमेथिस्ट और हेमेटाइट का आपको ब्रेसलेट बनाना है. इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रशिंग ड्रिंक दैट वाटर एंड च्यू द रेजिन्स. रेजिन्स को चबा चबा के खाना है. ये स्मोकिंग को क्विट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. और एसेंशियल ऑयल्स के साथ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? एसेंशियल ऑयल्स आप लेवेंडर यूज कर सकते हैं. लेवेंडर बेसिकली क्या करता है, हमारी इनर बींग को हेल्प करता है, राइट. तो इसके साथ आप लेवेंडर यूज कर सकते हैं. सर नेक्स्ट स्लाइड. ओके अगेन गोमती चक्रास, हम इन सब चीजों को, ये जो फॉसिल्स होते हैं दीज आर द फॉसिल्स है ना जो बोन से निकलते हैं या फिर ये सी प्रोडक्ट्स है, तो इन फॉसिल्स को हम क्रिस्टल के अंदर काउंट करते हैं. दीज फॉसिल्स बिकॉज आप इनके अंदर डिजाइन देखिए, दे आर इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन रेशो. ये नेचुरल यूनिवर्सल एक इनका पैटर्न बना हुआ है विच गिव अस, जो हमारी मूवमेंट इसी में करता है. अब आप बताइए कि आप यूनिवर्सल तरीके में किस मूवमेंट पे क्या क्या चाहेंगे. आप अपनी लाइफ एक
नेचर के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि नेचर हमेशा प्रोग्रेस करती है, नेचर में कभी भी ब्लॉकेज नहीं होती। तो जिस लाइफ के एरिया में आपको प्रोग्रेस चाहिए, जहाँ पे ब्लॉकेज नहीं चाहिए, तो इन यूनिवर्सल पैटर्न्स को हम उन चीजों में यूज करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसी तरीके से सर, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। इसी तरीके से देयर आर मेनी क्रिस्टल्स स्टोरीज, तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड क्रिस्टल्स है, अनलिमिटेड उसके यूजेस है, तो वो कभी नहीं खत्म होंगे। बट जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि व्हाट आर द यूजेस जो आपको अपनी डेली लाइफ में हेल्प कर सकते हैं, एंड आई सपोज आप सब इसका बहुत अच्छे से यूज करेंगे। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू एडवाइस, जो हमारा ये सुपर एडवांस कोर्स हो रहा है, दैट इज रियली वेरी डिवाइन, नॉट टू बी मिस्ड कोर्स, क्योंकि ये जो चीज है, दिस इज ऑन इंटरनेशनल लेवल। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, practicing these kind of practices make you very highly receptive to the higher energies. ठीक है, take advantage of this opportunity. और हमने first time we are introducing this, तो best of luck. I wish you. आपको pendulum निकालने के लिए बोला था जी, आपने pendulum निकालने के लिए बोला था, निकालना। मैम सबके पास pendulum था नहीं, और मेरी slide खुल नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने pendulum कराया दिया, हमने सारा बाकी करवा दिया। पेंडुलम से करेंगे कोई बात नहीं, अभी तो जर्नी हमारी। मैडम थोड़ा पेंडुलम का करा दीजिए ना। क्या कराए? पेंडुलम का करा दीजिए ना। पेंडुलम का हम जर्नी में करेंगे, बिल्कुल उसको थोड़ा सा बता दीजिए ना, हमको मालूम पड़ेगा तो फिर आगे सोचेंगे। आपका वीडियो ऑन करें तब भी हमें अभी अच्छा लगेगा। ओके थैंक यू। ओके तो मैम प्लीज, मैं नो योर नेम, आपका इसमें इंडियन डॉक्टर एसजी जय लिखा है। आपका नाम बताएं। सुषमा। कृष्णा। कृष्णा। सुषमा। 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 ओके सुषमा जी। सुषमा जी चलिए देखिए, पेंडुलम कुछ नहीं है मैम, देखिए दिस इज दी पेंडुलम। अब इस पेंडुलम से जो लोग पेंडुलम यूज करते हैं उनको बोलते हैं डाउजर्स, और जो इसकी करने की टेक्निक होती है, जो जिससे हम हीलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं डाउजिंग। तो ये सबसे पहले तीन ऐसी टर्म्स हैं जो हमें पहले मालूम होनी चाहिए, बिकॉज हम इसी को डाउजर बोल देते हैं, इसी को डाउजिंग बोल देते हैं, लेकिन दिस इज ओनली पेंडुलम एंड वी आर द डाउजर्स, हम डाउजर्स हैं। ठीक है, इसको एक पकड़ने का खास तरीका होता है। पेंडुलम की एक टेक्निक क्या होती है, बिकॉज किसी भी पेंडुलम को यूज करने से पहले आप समझिए वो काम कैसे करता है। हमारी ये जो दो फिंगर्स हैं, बिकॉज आपके नाम क्या डॉक्टर लिखा है, आई थिंक यू आर अ डॉक्टर, तो आपको पता होगा कि हमारी जो ब्रेन की जो नर्व्स है, इंडेक्स फिंगर और थंब में जाके खत्म होती है, राइट? सम वन ऑफ दी नर्व्स आर एंडिंग इन अवर इंडेक्स एंड थंब। तो जो हमारे सबकॉन्शियस और ब्रेन का लेवल, जो हमारी मस्कुलर एनर्जी होती है, जो यहाँ पे जाके खत्म होती है, दैट गाइड अस टू द मूवमेंट। ये कैसे चलता है, दैट गाइड अस टू द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली। ठीक है, जिस वक्त आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपको सिर्फ उसको उठाने की जरूरत है, और ये आपकी बातें मन से समझ के इसको आंसर करने लगेगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन भी नहीं पूछने, आपको सिर्फ मन में क्वेश्चन करेंगे, ये अपने आप चलने लगता है, इतना ज्यादा कनेक्शन हो जाता है। दिस इज द डिविनिटी, आपकी एनर्जी प्रोजेक्ट होती है टुवर्ड्स अदर थिंग, जैसे क्रिस्टल पे प्रोजेक्ट हो रही है, पेंडुलम पे प्रोजेक्ट हो रही है। तो दिस इज सबसे पहले ये कनेक्टिविटी हमें करना सीखना होता है। ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी के बाद आपकी पूरी, अगर हम एक ना मतलब सिर्फ पेंडुलम से देखे तो हमारी पूरी जिंदगी सॉल्व हो जाती है, हमारी पूरी लाइफ के आंसर्स। ये अपने आप में एस्ट्रोलॉजर है, ये अपने आप में न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये अपने आप में हर सब कुछ है, लाइफ के सारे क्वेश्चन के आंसर दे देगा। यू ओनली नीड टू गेट कनेक्ट विद इट। ओके सुषमा जी, क्लियर है मैम? ग्रेट। किसी और का कोई प्रश्न है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, एंड किसी या शिल्पी जी से है। चेक होता है क्या? हाँ जी, और चेक हो जाता है इससे, ओरा भी चेक होता है जी, हो जाता है और चेक, सब चीज होती है इससे। okay. एक एक चीज होती है, ये अपने आप में मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि इससे क्या नहीं हो सकता। आप इसको पकड़ लीजिए, मतलब दुनिया पार हो जाएगी, भव सागर पार हो जाएगा। मैम इसमें अटेंडमेंट की भी जरूरत है क्या, जिससे हमने उसमें तो नहीं करे थे, इसमें अटेंडमेंट पेंडुलम से नहीं, ये जो सुपर एडवांस कोर्सेस में, इसमें हम डीएनए अट्यूनमेंट दे रहे हैं और गोल्डन रे अट्यूनमेंट जरूरी है। अट्यूनमेंट से आप रिसेप्टिविटी होगी तभी आप कर पाएंगे। ओके राइट, ऋतिका जी आपका हैंड रेज है, आपका प्रश्न पूछें।
कैमरा ऑन करें और प्रश्न पूछें आपका। सर मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी सर अभी। प्रश्न पूछे आप। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो क्रिस्टल का बेसिक कोर्स वगैरह है और फिर उसके बाद एडवांस कोर्स है, वो लाइव कब होगा सर आपका? वो इसके बाद होगा, इस वाली जर्नी के बाद हम क्रिस्टल का बेसिक एडवांस इसके बाद चालू करेंगे, ठीक है? और लाइव होगा सर, वो लाइव होगा। लाइव के अंदर जो लोग वीडियो के माध्यम से अभी सीखेंगे वो लोग लाइव रिपीट कर सकते हैं, दे आर ऑल वेलकम फॉर लाइव रिपीट। तो जब अगर आप ये बेसिक और एडवांस अभी आप वीडियो के माध्यम से सीखते हैं और क्यू एंड ए उसका शिल्पी जी करेंगी, जब लाइव स्टार्ट होगा तो आप लाइव में फ्री एंट्री पाएंगे उसकी। ओके, मैं इसलिए पूछ रही थी सर लाइव, क्योंकि मैं टोटली न्यू हूँ तो मैं मतलब रिकॉर्डेड के लिए अभी ये नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जब लाइव करते हैं तो हमारे मतलब जिनसे हम पढ़ रहे होते हैं उनसे भी हमारा कनेक्शन बनता है और वो अच्छे से हम ग्रैब भी कर पाते हैं चीजें सर। रिकॉर्ड के अंदर भी आप लाइव के बराबर ही आपको फीलिंग आएगी। इट इज आप जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि मान लो आपने कोई क्लास मिस कर दी तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे उसकी। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो उसका जो आपका इम्पैक्ट आएगा वो ऐसे ही आएगा जैसे आप लाइव कर रहे हो, सेम इम्पैक्ट आएगा। और उसकी जो क्वेश्चंस होगी वो आप लिख लीजिए, आपका क्यू एंड ए सेशन होगा, उस सेशन में शिल्पी जी विल टेक योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू दैट क्वेश्चंस, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वो ऐसे ही होगा जैसे लाइव है, क्योंकि वो लाइव ही है, वो कोर्स सारे वो लाइव रिकॉर्डिंग्स ही है जो आपके साथ शेयर करेंगे वो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। उसके अंदर पार्टिसिपेंट से जो जो आपने क्वेश्चंस क्वेरी पूछी होंगी वो सारी क्वेश्चन क्वेरीज भी उसका पार्ट होंगे, तो लाइव ही है वो कोर्स एक्चुअली वो। अच्छा अच्छा, ओके सर। लेकिन इसके बावजूद भी जब नया कोर्स स्टार्ट होगा उसमें रिपीट एंट्री फ्री मिलेगी, ये एकेडमी का रूल है, रिपीट फ्री एंट्री है। ओके, ठीक है, क्योंकि मैं नई हूं सर, मैंने आपके यहां पहले कभी कोई कोर्स किया नहीं है। नया सबसे अच्छा होता है क्योंकि नए बैगेज लेके नहीं आता, कोरा कागज के ऊपर डिजाइन करना, राइट डिजाइन सबसे आसान होता है, तो यू आर द बेस्ट। ओके, राइट, ठीक है, थैंक यू सर जी। हेलो सर, सर सॉरी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहती हूं सर। जी बोले आप। हां सर, मैं मैम के लिए खास बोलना चाहूंगी, सबको बोलना चाहूंगी, मैम के कोई क्लास मिस करने जैसा नहीं है, उनके नॉलेज इतनी वास्ट है और वो इतना दिल से पढ़ाते हैं, इतना दिल से देते हैं हमको चीजें, है ना, तो ब्लेसिंग है वो हमारे लिए, क्योंकि मैं सच में बोल रही हूँ मैम के बहुत नॉलेज है, बहुत पावरफुल नॉलेज है, और उनका हीलिंग वो बैठे बैठे हील कर देते हैं सामने वाले को। तो इवन इनके साथ कोर्स किया उसने, वो मेरे साथ इन द कोर्स वो मुझे हील कर देते थे, तो मैं सबको बोलूंगी ये क्लास मिस मत कीजिए, मैम का कोई क्लास मिस मत कीजिए, शी इज वेरी लाइक उनका बहुत नॉलेज अच्छा है और वो देते भी बहुत दिल से हैं, बहुत दिल से पढ़ाते हैं। थैंक यू अम्मी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, योर ब्लेसिंग फॉर अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू एब्सोल्युटली राइटली सेड यस सर। मुझे मैम के लिए तो बहुत, मैं सबको बोलती हूँ जिससे भी बात होती है, मैं सबको बोलती हूँ कि कोई भी कोर्स करो क्रिस्टल का कोर्स मैम से करो, या तो मैम के जो भी कोर्सेज, मैं सबसे बोलती हूँ कि करिए ही, उनके साथ ज्वाइन होइए ही आप। I said in the beginning, she is a professor of crystals. सारे ही कोर्सेज अच्छे हैं, बहुत बहुत, यस मैम, वो जोड़ते भी नहीं है हमारे लिए, अमेजोनाइट क्रिस्टल, यस यस, थैंक यू एवरीबॉडी जी। उनका रियली हीलिंग भी बहुत पावरफुल है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। एंड मैम मैं आप दोनों को एक बात बोलना चाहती हूँ, ये क्रिस्टल्स मुझे इतना अट्रैक्ट करते हैं, मुझे इसका रीजन पता नहीं, मुझे लगता है मैं हर एक क्रिस्टल को मेरे साथ रखूँ, इसके साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है, मुझे पता नहीं है क्यों, और इस कोर्स के लिए मैं मतलब इतना उत्सुक थी, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। मतलब सर बोल रहे थे मेरा पहले वाला क्लास में कि आप वेबिनार ज्वाइन करें, मैं तो ग्रुप ही ज्वाइन कर लिए, और इसके लिए मुझे मतलब मैं इतना उत्सुक हूँ, मतलब मैंने वेट करती थी कब ये कोर्स आएगा, कब ये कोर्स आएगा, और मैंने मैम आपसे तो कुछ ब्रेसलेट भी ली थी कुछ दिन पहले। आई लव क्रिस्टल मैम, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, जस्ट आई लव क्रिस्टल्स, जैसे प्योर हो मैम, क्रिस्टल के जैसे आप भी प्योर हो सर, प्योर है एक्चुअली सर, भी हमारी एकेडमी ऐसे बनाई है, एवरीवन सर को तो मैं बोलती हूँ सर, मुझे पहचानते हैं आप सारे डिवाइन सोल्स हो, तो ऑब्वियसली व्हेन यू ऑल आर सो प्योर हार्ट एंड सोल, तो सब चीज अपने आप सच ए वंडरफुल थिंग्स। थैंक यू सर,
सो ग्रेट थैंक यू जयदीप जी का हैंड रेज है और किसी ने क्वेश्चंस डाला चैट में भावना जी ने डाला इज इट रॉन्ग टू माइक क्रिस्टल्स मतलब माइन इट इज इट रॉन्ग टू माइन नो नॉट एट ऑल क्रिस्टल्स आर मेंट टू माइन जयदीप जी नमस्कार सर नमस्कार मैम जी नमस्कार मैम जो कोर्सेज के जो चार्जेज हैं मैं एक्चुअली लेट कनेक्ट हुआ था और जो ड्यूरेशन एक बार वो कंफर्म कर दीजिए और क्योंकि मैं पहले भी जो है इसमें रह चुका हूं और मैंने आपका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन था वो उजाला मैम से वो किया था अभी लेटेस्ट जी जयदीप जी you are already an existing participant of the academy. Yes, sir. So, yes. उसके लिए the course fees is 2 month की journey है ये और 2 महीने की course is 2685 है इसकी, right? एक महीना 157 है multiply 2. So जो आपने पहले भी pay किया होगा उजाला जी का course. So the fee structure are standard for all courses. So this is the standard structure. आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं यू आर वेलकम एंड ये डिटेल्स आपके सामने यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो और ये दो जो लाल रंग के नंबर लिखे हैं इन्हीं दो नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा प्लीज श्योर सर थैंक यू सर आर यू कनेक्टेड विद राज सर हम वो लिंक खोल रहे हैं तो राज सर लिख के आ रहा है राज शर्मा नहीं मुझे आईडिया नहीं आप नो आईडिया हमारा लिंक पे राज शर्मा लिखा नहीं आएगा हमारे लिंक पे गुरुजी ज्ञान लिखा आएगा या फिर ऑकर साइंस एकेडमी लिखा आएगा ठीक है जी राइट सो डू वी पे फॉर बेसिक एडवांस दोज हु आर टेकिंग द बेसिक एडवांस यस दे कैन पे टू द एकेडमी और एकेडमी से संपर्क कर लें जो लोग तीनों कोर्स में एनरोल कर रहे हैं उनके लिए स्कीम भी बन सकता है Because then they need to connect with the academy की स्कीम कैसे बनेगा so they find it out from academy उनको भी बेनिफिट हो जाएगा उससे ongoing offers है उस offers में बेनिफिट हो जाएगा प्लीज चेक विद द एकेडमी टीम से आप चेक कर लीजिए जो नंबर मैंने आपको दिखाए हैं इन दोनों नंबर पे आप अपना मैसेज या कॉलिंग कर सकते हैं जो मैंने अभी नंबर दिखाए थे आपको ठीक है जी जी एनीथिंग एल्स लाइक टू नो प्लीज लेट मी नो और शिल्पी जी से कुछ पूछा चाहे और नहीं तो आप सब लोगों का स्वागत है आने वाली जर्नी में ऑल ऑफ यू वार्म वेलकम बिलीव मी शिल्पी जी की डिलीवरी अल्टीमेट है और ये जो कोर्स है ये कोर्स नहीं हो सकेगा मतलब इट्स लाइक नॉट ओनली रेयर आई वुड से हार्डली एनी पर्सन एबल टू डिलीवर द क्रिस्टल एट द मास्टरी लेवल हार्डली एनी पर्सन और जो लोग करते हैं उन लोगों की फी स्ट्रक्चर मार्केट फी स्ट्रक्चर यू नो हाउ फैंसी इट इज हमारा सिर्फ एक अभियान है कि डिलीवर दी ऑकर्ट साइंसेस घर घर तक ऑकर्ट साइंसेस जाए हर व्यक्ति के माध्यम में हर व्यक्ति के जीवन में और उनके माध्यम से आने वाली जनरेशन में हर व्यक्ति का उद्धार हो तो ये एक मुहिम और जैसे भारत सरकार भी कहती है भारत एक बार फिर जगत गुरु बने तो हमारा भी ये उसमें थोड़ा जो योगदान हो सकता है जगत गुरु के लिए नॉलेज शेयरिंग बहुत जरूरी है और समय के साथ ये नॉलेज लुप्त होती जा रही है यू ऑल नोज दैट बिकॉज ऑफ एजुकेशन प्रणाली ये चीजें हमारी चेंज हो गई जो एजुकेशन के माध्यम से तो आती ही नहीं स्कूलों में सो हमारा एक प्रयास है आप सबको साथ मिलके कि इस एजुकेशन को आगे तक बढ़ाया जाए और इस एडमिशनी फी के ऊपर एनी कोर्स ऑफ द एकेडमी विल नॉट बी अवेलेबल यू टेक इट फ्रॉम मी मतलब इट्स बीन लॉट ऑफ सर्च आई डिड इट इन द मार्केट क्वालिटी के मामले में अनबीटेबल क्वालिटी अनबीटेबल स्ट्रक्चर पे नहीं हो सकता So, अगर आपका सच में इंटरेस्ट जुजुन का है प्लीज कम एंड ज्वाइन इट एंड मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी जी कुछ और कोई बोलना चाहेगा तो ठीक अदरवाइज सर जी अब बिल्कुल सही कह रहे थे लाइक मार्केट के हिसाब से बहुत ही कम मतलब एज पर क्वालिटी है ना जो रेट है वो सच में बहुत कम्पिटिटिव है कम्पिटिटिव क्या वो उनके आसपास भी नहीं है लोग तो कुछ भी नहीं कराते और बहुत पैसे लेते वो मैं सर एक चीज और पूछ रही थी जैसे अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपने ऐप में ही हमें मिल जाएगा है ना जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता जाएगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम पहले एक बार हम डिलीवर करते हैं ग्रुप के ऊपर फर्स्ट टाइम हम ग्रुप पे डिलीवर करते हैं ऐप के अंदर लोड होता है अगर किसी का मिस हो जाता है तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा वापस मतलब जैसे ही कोर्स कम्प्लीट होगा सर्टिफिकेट शेयर किए जाएंगे तो पहली बार ही सर्टिफिकेट ग्रुप के ऊपर भी शेयर किए जाते हैं और एप्लीकेशन पे भी ड्रॉप दिए जाते हैं अगर कोई लोगों का ग्रुप से डिलीट हो जाता है तो एप्लीकेशन में मिल जाएगा
ये कोर्स की जो ये कोर्स करेंगे जिन्होंने बेसिक एडवांस तीनों लेवल कोर्स किए हैं तो ज्वाइन करेंगे सर, हमारा ग्रुप ही ज्वाइन करेगा शायद। जी यू आर वेलकम। उन लोगों को जिन्होंने तीनों लेवल किया दे विल बी कंसीडर्ड एज द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास्टरिंग क्रिस्टल्स राइट। सो दिस इज अ पावरफुल सर्टिफिकेट राइट। सो इट्स रियली वर्क फॉर यू क्योंकि मास्टरिंग इज नॉट इजी, मास्टरिंग नीड लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड वर्क। सो ये एक एडवांटेज आपको। ठीक है जी, तो एनीथिंग एल्स एनीबडी लाइक टू शेयर, कुछ बोलना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा तो पूछे, नहीं तो आज की सभा समाप्त करने का आप सबसे ज्यादा चाहेंगे। सर आज के सेशन में वैसे देखा जाए तो बस आपने कोर्स कंटेंट के अलावा और तो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, तो और कुछ है वो मेरा शिल्पी जी ने आपको 5-6 क्रिस्टल्स में बताया था। हाँ बस 5-6 क्रिस्टल्स बताया, दैट्स ऑल। तो वेबिनार के एक घंटे में तो हम यही बता पाएंगे ना 5-6 क्रिस्टल्स। ओके सर, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके मैम, थैंक यू। एक घंटे के जर्नी में तो 5-6 क्रिस्टल्स काफी होते हैं। छह बजे का टाइम था कि कितने बजे का टाइम था? 6 बजे स्टार्ट किया था हमने, तो 8 बजे में वेबिनार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर हुई आपके साथ, क्वेश्चन आंसर थे, है ना? ओके सर। डिलीवरी क्लास की 1.25 घंटे ही हो पाती है एक्चुअली, बाकी टाइम में आपके भी प्रश्न होते हैं, है ना? राइट तो आज की सभा समाप्त करने का ज्यादा चाहेंगे आप सबसे, धन्यवाद। Thank you. You are all thank welcome. Thank you so much. Waiting for the further journey, ma'am. Thank you. बिल्कुल. We are together. Thank you. Yes. Bye. Namaskar.